हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीमैट के सभी पीवाईक्यू जो रीजनिंग सेक्शन में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सीमैट 19 से लेकर 23 तक टोटल 8 शिफ्ट के पेपर हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड सीमैट देखिए न्यू पैटर्न से जो है, जब से ये एनटीए करा रही है 2019 से एनटी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो टोटल 8 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नियर अराउंड 200 क्वेश्चन है। आप अगर केवल रीजनिंग के लिए इतना कर लेते हैं ना, टोटल 8 शिफ्ट के पेपर ही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मोर देन इनफ है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पेपर का लेवल जो है ये आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है ना, किसी किसी शिफ्ट में आपको दिखेगा किसी पर्टिकुलर ईयर में कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा कैट लेवल का है, अदरवाइज ये जी टू मॉडरेट है बिल्कुल। तो केवल जो है आप 8 शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लीजिए एंड अदर सेक्शन पे आप अधिक से अधिक फोकस करिए। तो यहाँ पे जो है एक हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, सीमैट का ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, जो टोटल 8 शिफ्ट के जो पीडीएफ होंगे, ठीक है, ईयर वाइज आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सभी कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देन डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2023 के रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। 2023 में दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो अभी आज के वीडियो में स्लॉट वन के पेपर को डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है स्लॉट टू के क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था एनोलॉजी का क्वेश्चन था, जो रिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फूट इज यूज ऑन स्केट बोर्ड देन बोर्ड इज यूज ऑन रोबोट, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि इन एन एक्सटेंडेड फैमिली ए इज मैरिड टू बी। ठीक है, देखिए ए इज मैरिड टू बी एंड बी हैज टू सन सी एंड डी। ठीक है, सी और डी। ठीक, द यंगर सन डी इज मैरिड टू ई। ठीक है, अब देखिए जो छोटा वाला लड़का है, ठीक है, इसकी शादी किससे हो रही है, ई से हो रही है। तो ये देखिए मेल है ना, तो मेल को प्लस से डिनोट कर देते हैं, फीमेल को ठीक है माइनस सिंबल से। अब देखिए क्या दिया गया कि एफ हैज टू चिल्ड्रन ई एंड जी। देखिए एफ के जो है दो चिल्ड्रन हो गए ई और जी। क्या दिया गया है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। तो आप ये बताइए कि जी जो है ये डी से कैसे रिलेटेड है। तो आप देखिए जी का जो है ना जेंडर डिफाइंड नहीं है, अगर जी अगर मेल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और अगर जी कोई फीमेल है देन क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ को टिक कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो। ठीक है, सभी नॉर्थ की तरफ हैं, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम हु इज 18 फ्रॉम द राइट। अब देखिए राम की पोजीशन राइट से क्या है, 18 पोजीशन है, तो ये राम हो गए और इसके राइट में कितने पर्सन हो जाएंगे, 17। अभी तो ये राइट से 18 पोजीशन पे होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या दिया गया है, ये था ना सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो देखिए ये सुनील हो गए, बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 15 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये 16 पोजीशन पे है ही। फिर क्या दिया गया है कि जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। जैक जो है ये 11th पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से, तो इसके पहले कितने होंगे, 10 पर्सन होंगे। एंड इज ऑल्सो 4th टू द राइट ऑफ सुनील। अब देखिए सुनील से इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 4th है, तो ये देखिए ये जैक हो जाएगा 4th पोजीशन पे, बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 3 पर्सन। अब इसको कंबाइन करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इसको वन आप समझिए, टू समझिए, थ्री समझिए। अब देखिए ये सुनील है, बीच में 3 पर्सन हो गए, फिर ये जैक हो गए। अब देखिए सुनील और राम के बीच में कितने पर्सन थे, 15 पर्सन थे ना, 4 तो कवर हो गया यहाँ से, जैक और ये 3 पर्सन, तो कितना और रह गया, 15 माइनस 4 11, ये राम हो गए, इसके बाद कितने हो गए, 17 पर्सन हो गए। अब इस लाइन को देखिए, जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब जैक से पहले कितने पर्सन है, 10 है, जैक से पहले 4 एडजस्ट हो चुका है, एक सुनील और ये 3 पर्सन, तो और कितने रह गए, 6। ठीक है, आप देख लीजिए लेफ्ट से जैक 11th पे है कि नहीं, 6 1 7 3 10 1 11 पोजीशन पे है।
टोटल देख लेते हैं कितने में है। 6 1 7 3 10 1 11 11 11 22 23 और 17 40। सिंपल था ना ये। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना आप ब्रेक कर लिया करिए, फिर कंबाइन कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट चैप्टर एक्सरसाइज कंटेंट बुक। तो आप ये देखिए, ये जो तीन है चैप्टर एक्सरसाइज कंटेंट, ये सब बुक के ही तो पार्ट है ना, तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा बुक, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें रास्कल की वैल्यू क्या है -22, देन सिंपल की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहीं पे जो है सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, ये 190, 31 और 12, ठीक है ना। देखिए अगर इनको जो है ऐड कर दें, 18 1 और 19, तो ये कितना हो जाएगा 38, और ये 3 1 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 16, 16 -38 कितना हो जाएगा -22, ये आ रहा है -22। इसी तरीके से सिंपल में देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 19 9 13 16 12 और 5, ठीक है ना। तो देखिए 19 9 और 13 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, और 16 12 और 5 कितना हो जाएगा 33, माइनस करिए कितना हो जाएगा -8, तो 1 -8 आ जा रहा है। एक और तरीका है इसको देखिए, अगर इसको हम अल्टरनेट करके देखें तो देखिए, अगर इसमें अल्टरनेट वैल्यू देखें आर एस और ए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 18 19 और ये 1, ये कितना हो जाएगा आपका 38, और 1 3 12 कितना हो जाएगा 16, तो ये आ गया -22। अब अगर यहाँ पे अल्टरनेट करके देखें तो एस एम और एल, तो ये 19 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 44, और आई का पी का और ई का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 -44 ये कितना हो गया -18। देखिए दोनों ही जो है लॉजिक सही लग रहा है, लेकिन जो एनटीए का जो आंसर था ना ये -14 था। तो एक या दो क्वेश्चन जब भी कभी एनटीए अगर पेपर बना रही है तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन इसको जो है जो एनटीए की जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें -14 ही था, ठीक है। चैलेंज करने के बाद भी जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, -14 ही रहने दिया, तो एक आध क्वेश्चन में रहता ही रहता है इस टाइप का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया कि दीप्ति वॉज वॉकिंग विथ हर हस्बैंड राजीव, दे मेट अ वुमेन मिली, दीप्ति इंट्रोड्यूस मिली टू राजीव एंड सेड हर ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज दीप्ति रिलेटेड टू मिली। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओरल हो जाएगा। दीप्ति और मिली क्या है, सिस्टर है, ठीक है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, वैसे ओरली काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब फिर देखिए ये 8 हो गए थे ना, अब ये देखिए ये पूरा पूरा 9 हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे नीचे 10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है कि ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक, हुज मदर इज सी, हुज मदर इज सी, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है, चलिए डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, तो यहाँ से जो है ई जो है सी की ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है। इफ एफ इज द वाइफ ऑफ ए, ए की वाइफ कौन है, एफ, ठीक है ना, देन हाउ इज एफ फादर इन लॉ रिलेटेड टू डी डॉटर। अब देखिए पूछा क्या गया है कि हाउ इज एफ फादर इन लॉ रिलेटेड टू डी डॉटर, ठीक है, तो ये देखिए इनका आपको रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ गर्ल लीव हर होम एंड वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, सी टर्न क्लॉक वाइज बाई 45 डिग्री,
एंड वॉक 30 मीटर। तो ये देखिए, ये जो है ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो गया। देन सी टर्न एंटी क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, अगेन ये 30 मीटर जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देन सी टर्न 90 डिग्री टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। अब ये देखिए, ये आपका जो है 90 डिग्री इधर हो गया, 60 मीटर। ठीक है, देन सी टर्न टूवर्ड्स हर होम इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग। अब देखिए, ये जो है फिर से घर की तरफ आ रही है, तो ऐसे कर लीजिए, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ ईस्ट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि शुड द कॉटेज इंडस्ट्री बी शिफ्टेड टू अर्बन सिटी फ्रॉम विलेज। अब जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा उसको टिक करेंगे। नो, द रूरल पॉपुलेशन विल डाई ऑफ हंगर। देखिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो रूरल पॉपुलेशन है ये केवल कॉटेज इंडस्ट्री पे थोड़ी ना डिपेंड है, अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है वहाँ पे विलेज में, लाइक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यस रूरल पीपल विल बी इंकरेज टू अडॉप्ट फार्मिंग एज देयर लाइवलीहुड। ये भी गलत, क्योंकि रूरल पीपल ऑलरेडी फार्मिंग में है, उनको इंकरेजमेंट की क्या जरूरत है? और सपोज की ये इंकरेजमेंट की जरूरत भी है, तो फिर कॉटेज इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्या जरूरत है? अदर मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही आर्गूमेंट जो है स्ट्रांग नहीं है, ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और लेटर फ्रॉम मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाई रो देन बाई इट्स कॉलम नंबर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमें जो है डी को रिप्रेजेंट करना है, तो डी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, 0 0। ठीक है, उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी को? 1 और 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले रो देखना है, फिर कॉलम होगा, तो ये डी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 1 और 4 से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और क्या तरीका है? ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे डी है ना, पहले रो फिर कॉलम, तो 4 1 से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है रेन का पूछा गया है, तो इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 57 है ना। ठीक है, देखिए 57, तो ये देखिए 5 और 7, तो देखिए सही है, पहले रो फिर कॉलम। फिर ए का 12 दिया गया है, देख लेते हैं 12, तो ये देखिए 1 और 2, ए भी सही है। फिर 31 देखिए, 31 आई होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये देखिए 31, ये भी सही है, पहले रो फिर कॉलम। नेक्स्ट एन के लिए 56, तो देखिए 5 और 6, देखिए ये भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, इसको आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है ना, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 11 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक, सपोज कि ये टाइम आपके पास अगर कम है तो आप इसी को टिक कर सकते हैं, आई यही तो है। फिर देखिए यहाँ पे ए है, ई है, आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, क्योंकि तो फिर आप लेटर गैप देखेंगे तो मैच करेगा नहीं, तो यहाँ पे यही है, बीच में क्या है? वॉवेल है। नेक्स्ट ये 20 है, 18 16, तो यहाँ पे क्या होगा? 14, 14 मतलब एन। फिर देखिए यहाँ पे 12, एल, आई, ओ, एन, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया कि सम स्टूडेंट वेयर सिटिंग इन अ रो, शीला वॉज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये जो है 12th पोजीशन पे है, एंड बीना वॉज सिटिंग 3rd फ्रॉम लेफ्ट। तो बीना का पोजीशन क्या है? 3rd है। देयर वेयर 15 स्टूडेंट इन बिटवीन बोथ। ठीक है, इनके बीच में 15 है, तो टोटल स्टूडेंट पूछा गया है। सिंपल है, ये 12, 15 और 3 ऐड इधर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 30। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है असर्शन? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऐड टू द ब्रांड वैल्यू एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सही है। रीजन, मोस्ट सेलिब्रिटी आर रिच इनफ टू अफोर्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट इन एनी गिवन कैटेगरी। ठीक है, देखिए इंडिविजुअली जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है
उनको क्यों बनाती है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, उनके लाइफ स्टाइल के लिए नहीं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें साइन और नंबर को जो है ना इंटरचेंज करना, ठीक है, माइनस को इन टू से और थ्री को सिक्स से, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स की जगह थ्री हो जाएगा, माइनस की जगह इन टू कर दीजिए, फिर थ्री की जगह सिक्स कर दीजिए, इन टू की जगह फिर माइनस हो जाएगा, और ये टू, तो ये कितना होगा, 18 माइनस 2, 9 तो आएगा नहीं, पहला गलत। दूसरा, सिक्स की जगह क्या करना होगा, यहाँ पे थ्री करना होगा, इन टू की जगह माइनस, थ्री की जगह सिक्स, फिर माइनस की जगह इन टू, फिर यहाँ फोर, तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री की जगह सिक्स, इन टू की जगह माइनस, सिक्स की जगह थ्री, फिर माइनस की जगह इन टू, फिर फोर, तो ये भी फिर माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी को टिक करना होगा, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सिक्स इंटू थ्री माइनस एट, ठीक है, 18 माइनस 8, 10, सिंपल था ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को टिक करेंगे। क्या दिया गया है कि शुड स्मोकिंग बी प्रोहिबिटेड, आर्गुमेंट वन, यस इट इज रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियंस ऑफ मनी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि तो पैसे सेव करने के लिए जो है आप इसको बैन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा, नो इट विल थ्रो थाउजेंड ऑफ वर्कर इन टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नहीं, अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिर देखेंगे, केवल इसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से कॉन्टिन्यू करना, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको जो है एनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको रिलेशन देखना है, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब आप ये देखिए कि वीट जो है ये किससे बनता है, ब्रेड से बनता है, ठीक है ना, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, ब्रेड, तो ब्रिक किससे बनेगा, क्ले से, ठीक है ना, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखिए, ये सिलॉक का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ऑल स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, देखिए सारे स्वीट थिंग्स जो है ये क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, एंड सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग, देखिए कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, कलर थिंग है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि सारे ये स्वीट जो है ये क्या है, फ्लूइड है, और सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग ना, अगर इसको ऐसे बना दें तब भी सही हो जाएगा। अब जरा कंक्लूजन देखिए क्या है कि सम स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग, देखिए यहाँ से सम स्वीट कलर है लेकिन यहाँ से नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे अगर कहीं कुछ नो करके लिखा होता कि नो नो स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग, तब आइदर और होता, तो ऐसा तो लिखा नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, अब देखिए यहाँ पे सारे ही स्वीट जो है ना फ्लूइड है, सारे ही स्वीट यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, और ये क्या कह रहे हैं कि सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज ऑल हो ना तो ऑल से सम निकलेगा, ऑल से सम निकलता है लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता, तो दूसरा वाला सही है। थर्ड, ऑल फ्लूइड आर स्वीट थिंग, तो देखिए सारे फ्लूइड जो है ये स्वीट थिंग तो नहीं होंगे ना, ठीक है, सारे फ्लूइड जो है स्वीट थिंग नहीं है, ये वाला पोर्शन कहाँ है स्वीट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम फ्लूइड आर स्वीट थिंग, कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, स्वीट थिंग है, सही है, ये वाला पोर्शन जो है ये है स्वीट थिंग, तो केवल जो है बी और डी सही है, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो फिर नन ऑफ दी जिसको टिक कर दीजिए, ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे बी और डी होना चाहिए लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर पूछा गया है आपसे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हुआ, ये देखिए सेवेंथ वाला ये हो गया पूरा पूरा स्क्वायर, ठीक है ना, सेवेंथ ये हो गया, एट्थ देखिएगा ये हो गया, ठीक है, और नाइन्थ ये वाला जो अंदर बॉक्स में बना है, टोटल 9 स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो देखिए 13 और 5 में कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, फिर तभी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, क्योंकि तो देखिए वैल्यू कुछ ज्यादा ही है, तो ये 4 है, 3 है, 75 है, क्या लॉजिक हो सकता है, तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 16 और 3, 16 और 9, 25, 25 × 3 दैट इज 75, ठीक है। चलिए फिर ये 7 और 9 में देखते हैं, 7 का स्क्वायर
ठीक है, 49 और ये 81 कितना हो जाएगा, 130, 130 इंटू 3 दैट इज 390। ठीक है चलिए नेक्स्ट, ये 11 और 8 वाला चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 121 और 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा 185, और 185 इंटू 3 ठीक है ना, ये आ गया आपका 555। फिर लास्ट 13 और 5, तो ये 13² 169 और 5² 25, ये कितना हो जाएगा 194 इंटू 3, ये कितना हो गया 552। ठीक है सिंपल था। तो देखिए इन कंपेरिजन टू शिफ्ट टू, ठीक है शिफ्ट वन जो है स्लॉट वन का जो पेपर है वो सिंपल था स्पेशली रीजनिंग का, और इसमें देखिए जो है आपके 3 क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन से थे, एक आपका ये मिसिंग नंबर हो गया काउंटिंग द फिगर, ठीक है काउंटिंग द फिगर, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, फिर एक नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन था, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज का आपका 1 क्वेश्चन था। उसके बाद से फिर आपका 1 क्वेश्चन एनोलॉजी का हो गया, 1 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का हो गया। एनोलॉजी के आप 2 कह सकते हैं क्योंकि एक वीट वाला भी क्वेश्चन था ना, फिर सिलॉग का 1 क्वेश्चन था, फिर साइन कन्वेंशन का 1 क्वेश्चन था, फिर एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो रेन वाला क्वेश्चन था उससे 1 क्वेश्चन थे, और टोटल 5 टू 6 क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसमें स्टेटमेंट आर्गुमेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। तो स्लॉट वन के पेपर इजी थे। हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2023 के रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग स्लॉट टू के डिटेल क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ऑड वन आउट का है, देखिए सी और ई में आप देखिए ए 1 लेटर का गैप है केवल, आई और के में भी 1 लेटर गैप है, एस और वी ठीक है ना इसमें 2 लेटर गैप है, एफ और एच में भी 1 लेटर गैप है, यू और डब्ल्यू में भी जो है 1 लेटर गैप है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा एस बी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, देखिए प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं बैरोमीटर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे थर्मामीटर, सिंपल है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है ह्यूमन शुड बी अलाउड टू गो आउट एलोन, ठीक है अब आर्गुमेंट देखिए क्या है, यस इट वुड मेक देम इंडिपेंडेंट एंड सेफ, ये वी का आर्गुमेंट है, बाहर जाने से अकेले बाहर जाने से जो है इंडिपेंडेंट का क्या लॉजिक है। आर्गुमेंट टू क्या है कि नो दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइन एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज, नहीं ये भी वीक आर्गुमेंट है, तो देखिए बोथ आर्गुमेंट 1 एंड 2 आर वीक, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सम पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आर्गुमेंट क्या है कि नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ये ठीक है, एंड आर्गुमेंट टू क्या है कि ह्यूमन बींग आर इम्परफेक्ट, तो दोनों ही जो है आर्गुमेंट स्ट्रांग है ठीक है ना, तो बोथ आर्गुमेंट 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है कि इन अ वन डे मैच टोटल रन मेड बाई ए टीम वेयर 200 आउट ऑफ विच 160 रन वेयर मेड बाई स्पिनर, ठीक है टोटल जो है स्कोर कितना हुआ है 200 और 160 जो है स्पिनर ने बनाया है, अब कंक्लूजन ये है कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, ये गलत है, कंक्लूजन मतलब कि स्टेटमेंट से आना चाहिए, स्टेटमेंट में ये कहाँ दिया गया है कि टोटल 11 प्लेयर हैं ठीक है इसका 80%, 8 या 9 प्लेयर जो है ये स्पिनर कैसे होंगे, स्टेटमेंट में तो इसके रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं है कि कितने स्पिनर हैं कितने फास्टर हैं ठीक है कितने बैट्समैन हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब स्टेटमेंट से ये चीजें नहीं निकल के आ रही हैं तो पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, इसके बारे में भी देखिए स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंक्लूजन हमेशा कहाँ से आएगा स्टेटमेंट से ही आएगा ठीक है ना, तो ये ओपनिंग में कौन था मिडिल ऑर्डर में कौन था इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं, तो ये फिर हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो नाइदर वन और टू फॉलो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है,
देखिए क्या दिया गया, विवेक, विनीता, मनीषा, हरी एंड वैशाली एंड गौरव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो टोटल जो है 6 पर्सन है, ठीक है ना। ठीक है, सर्कल और अच्छे से करते हैं, फिर से बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, चलिए क्या दिया गया, टोटल 6 पर्सन है ना। ठीक है, क्या दिया गया कि गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता। ठीक है, तो यहाँ पे विनीता को कर देते हैं, यहाँ पे गौरव को कर देते हैं। नेक्स्ट, ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, ये जो है सेंटर के बाहर देख रहे हैं। ठीक है, विनीता बाहर देख रही है। चलिए नेक्स्ट, वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, देर आर टू पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव। देखिए, हरी और गौरव के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे गौरव है, अगर इधर से दो गैप कर दें तो हरी यहाँ पे होगा, और इधर से भी अगर दो गैप कर दें तो हरी यहाँ पे है, तो ये भी पोजीशन सही है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया कि अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे तो विनीता हो गई, तो अभिषेक कहाँ पे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अभिषेक किसके नेबर है, मनीषा और गौरव दोनों के, तो यहाँ पे फिर मनीषा होंगे, तो फिर बच कौन रहा है, वैशाली। ठीक है ना, तो वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, देखिए वैशाली और हरी दोनों साथ में है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अभिषेक भी जो है ना ये बाहर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अभिषेक और विनीता ये सब अवे फ्रॉम द सेंटर हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि हरी एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेस हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब देखिए पोजीशन इनकी चेंज होगी, ठीक है ना, हरी की जगह कौन आएगा, अभिषेक, अभिषेक की जगह हरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभिषेक कर देते हैं, यहाँ पे हरी कर देते हैं। ठीक है, अभी भी जो है ना इनका पोजीशन बाहर की तरफ ही रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो ये बताइए अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, वैशाली। ठीक है ना, सिंपल था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 3 × 3 मैट्रिसेस फिल्ड विद द नंबर फ्रॉम 31 to 39, और ये रूल है इसमें। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जो है बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 इज अबव 39 एंड राइट ऑफ 32। ठीक है, 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। अब आप देखिए 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है और 33 भी है। अब 38 ऊपर है कि 33, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35। ठीक है, बनाएंगे इसको भी। 37 इज अबव 36 एंड 32, 31 इज अबव 35। ठीक है, अबव एंड बिलो मीन दैट दे आर इन द सेम कॉलम, वाइल लेफ्ट राइट मीन द नंबर ऑफ, वाइल लेफ्ट एंड राइट मीन दैट द नंबर आर इन द सेम रो। ठीक है, अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37, 33 किसके राइट में होगा, 37 के राइट में होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या दिया गया है कि 37 इज अबव 36 एंड 32, इसका मतलब कि 36 और 32 यहाँ होंगे, या 32 या 36 यहाँ होंगे, तो ये 33 वाला पोजीशन जो है ना ये टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39, देखिए यहाँ पे 39 कर दीजिए, 38 इसके ऊपर हो जाएगा, एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, 38 किसके राइट में है, 32 के राइट में। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या था इसमें, क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। ठीक है, और फिर दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39, इसका मतलब 39 के ऊपर दो नंबर है, 38 भी है, 33 भी है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा, 38 सबसे टॉप पे होगा कि 33 होगा, और आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि 32 इज द लेफ्ट ऑफ 35, 37 इज अबव 36 एंड 32। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। ठीक है, 33 जो नंबर है ये किसके राइट में है, 37 के राइट में है।
एंड 37, 36 और 32 से ऊपर है, इसका मतलब 37 यहाँ टॉप पे होगा और 32, 36 यहाँ पे होंगे। तो 37 के राइट में क्या है, 33 है, तो ये वाला जो कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया। यहाँ 33 हो गया, यहाँ 38 हो गया, ये 39 हो गया, ठीक है, अब सॉल्व हो गया पूरा। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 38 इज अबव 39, 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है, 33 इज द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39 विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 34, ये 34 के क्या है लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, 32 जो है ये 35 के लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 37 इज अबव 36 एंड 32, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 36, अब एक ही नंबर बच रहा है। 31 इज अबव 35, तो 31 इज अबव 35, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द मिडिल रो, 32, 38 और 35, कितना हो जाएगा, 105। सिंपल था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 143 हो गया, ठीक है, 143, फिर ये 168 हो जाएगा, फिर 195 हो जाएगा और फिर 225 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लॉजिक तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 225 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदर नंबर नहीं है, लेकिन आई थिंक ये काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, 143 और 168 में जरा देखिए जो डिफरेंस कितने का है, 25 डिफरेंस है। 168 और 195 में कितने का डिफरेंस है, 27 का। देखिए ये 25 है, ये 27 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिफरेंस है कितना, 30, तो यहाँ पे होना चाहिए 224, तो ऑड वन आउट क्या है, 225। अगर आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर से भी करेंगे तभी 225 ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया, कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी इन द लास्ट फोर्टनाइट, और स्टेटमेंट टू क्या दिया गया कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन वे आर कैंसिल्ड ड्यू टू द वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक, ठीक है। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हैं, नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, क्या कॉज होगा इसका, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि कई सारे ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रेन, इसका सेम रीजन है, ठीक है। इसका कॉज जो है सेम है, कॉज क्या है कि हैवी रेनफॉल इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इसी वजह से वाटर लेवल भी वहां पे बढ़ गई और वो ट्रैक पे जो है वाटर लॉगिंग भी हो गई, तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ द कॉमन कॉज, ठीक है, एक ही रीजन की वजह से, एक ही कॉज की वजह से ये दोनों सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है मिसिंग टर्म आपको बताना है, इसके आगे जो है गैप होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जेड है, ये वाई है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जेड है, फिर ये यहाँ वाई है, फिर एक्स है, फिर ये डब्ल्यू है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसका पोजीशन क्या है, 26, 25, ठीक है, 24, 23, तो 22 पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, फिर ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। वी कहीं है, यहाँ पे है, इसको टिक कर दीजिए। अब देखिए ये जो है क्या होगा, यहाँ पे 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, देखिए ए के बाद 5 है, ठीक है, सेकेंड अल्फाबेट के बाद जो है 5 है, फिर यहाँ पे वाई के बाद 4 है, ठीक है, फिर देखिए फिर ये सेकेंड के बाद 6 है, तो इस तरह की सीरीज चल रही है, 5 है, 6 है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 है, ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या है, यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना, तो ये 4 है, ये 3 है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, VE7, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये, दिया गया है कि इफ 23rd अप्रैल 1995 को ट्यूजडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23rd अप्रैल 1998। तो देखिए यहाँ पे डेट जो है ये सेम है एंड मंथ भी यहाँ पे सेम है, ठीक है, एंड ईयर में डिफरेंस कितने का है, ये आपका 1988 है एंड दिस इज 1995, तो कितने ईयर का डिफरेंस है, 7 ईयर का।
एंड इसमें लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर 1 ईयर है, दैट इज 1992, ठीक है ना। 1998 भी लीप ईयर है, लेकिन ये फेब क्रॉस कर चुका है, 23 अप्रैल दिया गया है ना, तो 1 ईयर जो है लीप ईयर हो गया। तो 7 + 1 दैट इज 8। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आया, 1, और यही 1 जो है इसको हम और डे बोल देते हैं। अब आपसे पहले का पूछा जा रहा था 1998 में, तो ये 1 डे जो है ये माइनस कर देते हैं, तो ट्यूजडे से 1 माइनस कर दीजिए, दैट इज मंडे। आफ्टर होता 98 की जगह जो है 98 99 होता, तो ये फिर जितना भी और डे आता है इसमें प्लस कर देते हैं, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए ये ब्यूटीफुल का कोड ये है, टेक्निकल का कोड आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें क्या करिए कि पहले कॉन्सनेंट को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है, फिर वॉवेल को जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इसमें जो है कॉन्सनेंट और वॉवेल दोनों अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, बी, फिर एफ, फिर एल और डी, ठीक है, इसी तरीके से इसको अरेंज कर दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए, ई, आई, फिर डब्ल्यू, सिंपल है, इसी तरीके से इसमें भी यही करना। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सनेंट और वॉवेल, ठीक है, दोनों को अलग अलग करिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, वॉवेल जो है ना इसी को साइड कर देते हैं, ठीक है, तो ई है, आई है और ए है, ठीक, अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, ए ई आई, फिर लास्ट में देखिए ए ई आई कहीं पे है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलिए पूरा ही चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से कॉन्सोनेंट क्या क्या होगा, डी सी एच, ठीक है, एन सी एल, अब इसको अरेंज कर दीजिए, तो ये डबल सी, फिर एच, फिर एल, फिर डी, तो डबल सी एच एल, एन भी छूट रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे एन कर दीजिए, डबल सी एच एल एन टी, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जो है क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल। तो देखिए रेक्टेंगल जो है ये हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल गर्ल्स को, और ये रेक्टेंगल जो है फुटबॉल को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल, तो आप ये जो है पूरा ट्रायंगल आप लीव कर दीजिए, ये तो हॉकी हो जाएगा, ये पूरा आप रेक्टेंगल कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बच रहा है केवल 6, सिंपल था ना, इसको आप ओरली डायग्राम से देख के कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गर्ल्स कितनी है, 2 4 3 6, ठीक है, और हॉकी में ये क्या क्या आ जाएगा, हॉकी में देखिए 4 और 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 कैंसिल, 2 किस में आ जाएगा, फुटबॉल में आ जाएगा, तो ये कैंसिल, 6, ठीक है, ओरली कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कि कैब का कोड जो है ये 75 है, ठीक है, कैब का कोड 75 है, तो आप ये बताइए इसका नंबर क्या होगा, इसका पोजिशनिंग क्या होगी, 3 1 2, अब या तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, या एक काम करते हैं ये स्टार्टिंग से पोजिशन होगी ना, एक बार इंट से भी पोजिशन देख लेते हैं, तो इसकी इंट से पोजिशन क्या होगी, 24, इसकी होगी 26 और इसकी होगी 25, प्लस करिए देखिए 75 आ गया। तो इसी तरीके से रूल में भी देखिए स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन क्या होगी, 18 21 12 5, ठीक है, लास्ट से पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करिए 26 - 18 +1 कर दीजिए, ठीक है, और मालूम है तो ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 22 हो गया, प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 52, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए माउस को इस तरीके से लिखा गया है, अब जरा देखिए एम और एन, +1 हुआ, ठीक है, ओ और पी, यू वी एच टी ई एफ, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये है आर, है आर के बाद क्या हो जाएगा, एस, ए के बाद बी, सी और डी, ठीक है, के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल,
ई के बाद एफ पी यू यू एफ एल डी बी एस यू एफ एल डी बी एस, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ये इम्बा की कोडिंग क्या है, ये ऑप्शन टू, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 13 2 1 18 11, ठीक है ना, 3 11 4 3 16 9, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या हुआ, 5 4 3 मतलब -2, ठीक है, फिर 13 से 11 -2, 2 से 4 +2, ठीक है, फिर 1 से 3 +2, 18 से 16 -2, 11 से 9 -2, ठीक है, -2 -2 +2 +2, फिर -2 -2, ठीक है। चलिए बी वाला भी चेक कर लेते हैं, डिसाइड है बी का 4 है ना। ठीक बी सी ई ए बी सी, ठीक है। देखिए तो आप ये बताइए ये क्या है, वैल्यू 4 2, फिर देखिए क्या हुआ, -2 हुआ, ये देखिए 5 4 3 क्या हुआ, -2 हुआ, 3 और 5 +2 हुआ, 9 और 11 ठीक है +2 हुआ, 4 और 2 फिर -2 हुआ, और देखिए 5 और 3 फिर -2 हुआ, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है कि परसेंटेज मीन्स लेस देन, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, हैशटैग मीन्स इक्वल टू, ठीक है। अब ये दिया गया, देखते हैं इसको, परसेंटेज का क्या मतलब है, लेस देन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी, ठीक है, और हैशटैग का क्या मतलब है, इक्वल टू, इसका मतलब सी इज इक्वल टू डी, और ये डॉलर का क्या मतलब है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो सी जो है ये बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अभी बताइए इसको कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, ए जो है बी से क्या है, छोटा है ना, और बी से बड़ा कौन है, सी, तो ये ऐसे हो गया, और सी और डी क्या है, इक्वल है। देखिए जरा इसमें से क्या सही है, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, ए जो है सी से छोटा है, तो देखिए ए जो है सी से छोटा है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये सही है, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस है, सबसे बड़ा सी और फिर डी, नहीं ये भी गलत है, और ये तो गलत है ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए वैल्यू जो है ना ये कंटिन्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कम हो जा रही है, 564 से 152 फिर 48, इसका मतलब ये किसी भी नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर उसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको जो है इसको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए अगर आप इसको देखिए तो नियर अराउंड कम से कम 4 टाइम्स वैल्यू कम हो रही है, किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, ये भी आप तुरंत मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 50 है, ठीक है, और ये देखिए ये 152 है, तो आप देखिए अप्रॉक्स 3 है, फिर आप देखिए ये 152 या 3 या 4 से है, तो देखिए 3 से तो सारे नंबर डिवाइड हो नहीं रहे, ठीक है, तो इसको 4 से ही चेक करते हैं, तो 564, जैसे ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो 564 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 141। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 152, इसका मतलब 11 प्लस होगा तो 152 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 152 को भी जो है ना 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 38, फिर यहाँ 10 से प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, फिर क्या था, 48 ना डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, वेल यहाँ 10 था ना तो यहाँ 9 कर देते हैं, कितना हुआ, 21, सिंपल था, 21 को 4 से डिवाइड करिए कितना होगा, 5.25, फिर यहाँ 9 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8, तो 13.25, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा ही कम हो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिवीजन का सीरीज इसमें चल रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, अब किससे डिवाइड करें,
तो आप देखिए यहाँ से गेस कर सकते हैं आप, अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, लेकिन आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट हु अटेंडेड अ सेमिनार, 200 ऑप्टेड फॉर रिटन एग्जाम, 200 ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन, 160 ऑप्टेड फॉर असाइनमेंट एंड 20 डिड नॉट ऑप्ट फॉर गिवन एनी ऑफ द 3 मेथड ऑफ टेस्ट, एंड 200 स्टूडेंट हैड एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 मेथड ऑफ टेस्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 टेस्टिंग मेथड। देखिए इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ये सपोज कीजिए कि रिटन एग्जाम वाले बच्चे हो गए, ये प्रेजेंटेशन एंड ये असाइनमेंट वाले हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 240। प्रेजेंटेशन डेट इज 200, असाइनमेंट वाले कितने हो गए, 160 हो गए, एंड 20 तो कोई भी मेथड जो है आप नहीं किए हैं, एंड 200 एग्जैक्टली वन वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, ठीक है, अब एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, दो होंगे, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली वन वाले हो जाएंगे। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि ये टोटल है कितना, 200। तो अब इसमें रिटन एग्जाम वाले प्लस प्रेजेंटेशन प्लस असाइनमेंट, 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक मेथड ऑप्ट किए हैं। हो सकता है कि रिटन सिर्फ रिटन देने वाले 80 स्टूडेंट हों, प्रेजेंटेशन देने वाले सिर्फ 80 स्टूडेंट हों, एंड असाइनमेंट वाले जो है ये 40 स्टूडेंट हों, ठीक है ना। इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, डबल काउंटिंग नहीं है, ये सिंगल वाले कितने हैं, टोटल 200। अब देखिए इसमें ये जो, ये देखिए एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, हो सकता है कि वो रिटन भी दिए हों, प्रेजेंटेशन भी दिए हों, फिर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन भी हो असाइनमेंट भी हो। तो एग्जैक्टली टू वाले जो है दो का रिपीटेशन होगा, तो ये वाला एरिया जो है एग्जैक्टली टू हो जाएगा, इसको भी कह सकते हैं आप। एंड इसमें एग्जैक्टली थ्री भी है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन। देखिए ये वाले जो होंगे स्टूडेंट, हो सकता है कि तीनों ही दिए हों। तो देखिए तो एग्जैक्टली थ्री वाले ये टोटल कितने हो गए, देखिए टोटल 400 स्टूडेंट थे, एंड ऑप्ट वाले कितने टोटल हो गए, दैट इज 240, 200 एंड 160, तो ये कितना हो गया, 600। तो यहाँ से तो ये 600 हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली वन दिया गया है कितना, 200, तो ये आपका 200 हो गया। तो यहाँ से हम केवल ये निकाल सकते हैं, दैट इज टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री, ठीक है। अब ये 200 इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना होगा, दैट इज 400, तो ये हमारा निकल गया, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू एग्जैक्टली टू, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली थ्री। ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री था इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, ये कितना हो गया आपका, 400। इसको अभी के लिए इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू एंड एग्जैक्टली थ्री वाले कितने स्टूडेंट होंगे। देखिए टोटल 400 स्टूडेंट हैं, इसमें से 20 ने जो है कोई ऑप्ट नहीं किया है कोई मेथड, तो टोटल 380 स्टूडेंट है। तो वन टू और थ्री वाले टोटल कितने हो गए, दैट इज 380, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से भी हम एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री निकाल सकते हैं, कैसे, एग्जैक्टली वन तो दिया हुआ है कितना, दैट इज 200, तो यहाँ से एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री कितना आएगा, ये 200 है ना, 200 इधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा, 180, ठीक है ना। अभी इसके लिए जो है इसको इक्वेशन टू सपोज कर लीजिए, इतना हुआ। अब एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 एग्जैक्टली 2, 2 एग्जैक्टली 3, दैट इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको एक सेकेंड के लिए इरेज करते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 3 हो गया,
अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशन वन माइनस थ्री कर देते हैं, वन और थ्री को माइनस करिए तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन वन है, अब टू एग्जैक्टली टू यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा, माइनस होगा ही होगा। टू एग्जैक्टली थ्री ये आपका कैंसिल आउट होगा, अब क्या रह गया, एग्जैक्टली थ्री आपके पास आ गया। एग्जैक्टली थ्री कितना, 400 माइनस 360 दैट इज 40, तो एग्जैक्टली थ्री हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन टू क्या था, इक्वेशन ये था हमारा टू दैट इज एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री इज इक्वल टू कितना था, 182 था, सॉरी 180 था। एंड हमसे यही पूछा गया है ना, फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री टेस्टिंग मेथड। अब आप ये बताइए एग्जैक्टली 340 आ चुका है, ये हमारा 40 आ चुका है, ये 180 है, तो एग्जैक्टली टू कितना होगा। ठीक है, ये जाके इधर माइनस होगा दैट इज 140। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीमेट में टोटल 3 आवर का पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लास्ट के लिए रखिए। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से केवल यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज 19 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अगर थोड़ा सा कुछ लेंदी है तो इस बार ये मैथ्स वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, रीजनिंग में केवल एक क्वेश्चन है जीएस, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है, लेंदी नहीं है, आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम टेकिंग नहीं होगा। हाँ, इनोवेशन भी थोड़ा सा लेंदी है, लैंग्वेज भी ईजी है, 3 आवर के अकॉर्डिंग जो है पेपर बिल्कुल आपका बैलेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आया करें तो अभी उसको लीव कर दिया करिए, बाद में आपके पास टाइम बचता है देन सॉल्व करिए। देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2022 के रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 है, 48 है, 63 है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से एक वैल्यू ये कम है। ये क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 1, ये है 7 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 35। ठीक है, इसको आप डिफरेंस से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 11, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 13, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 15। सिंपल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि फैमिली में 6 मेंबर हैं, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ब्लड रिलेशन में आप जानते होंगे कि मेल को जो है ये प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को जो है ये माइनस से डिनोट करेंगे, एंड एक जनरेशन अगर ऊपर होगा, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, सपोज कि ए और बी जनरेशन ऊपर है तो ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर कोई जनरेशन नीचे है तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, तो देखिए एक जनरेशन ये ऊपर है तो ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एंड बी, ठीक है, ए मदर है, ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी, हु इज द हस्बैंड ऑफ डी, ठीक है, तो बी के हस्बैंड कौन है, डी है, तो बी फीमेल एंड डी हस्बैंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट, डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई एंड हैज नो सिबलिंग, ठीक है, तो डी जो है ये क्या है, डॉटर इन लॉ है किसके, ई के, ये क्या हो जाएगा, ई हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाइफ है तो ये क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। ठीक, नेक्स्ट, सी इज द सन ऑफ डी, तो सी जो है इसको हम बीच में ही बना सकते हैं क्योंकि सी जो है ये बी का भी लड़का है, डी का भी लड़का है, तो चलिए यही बना देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी, क्योंकि सी और ए में रिलेशन पूछा गया है, तो ये कैसा रिलेशन है, आप देखिए क्या होगा, ठीक है, सी जो है इनका लड़का है, ठीक है, और ये इनकी क्या होंगी, ग्रैंड मदर होंगी, इससे रिलेशन पूछा है कि सी कैसे रिलेट कर रहा है ए से, तो ये इनकी क्या लगेंगी, ग्रैंड सन, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईच ऑफ द 5 बॉल सच एज रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन इज ऑफ डिफरेंट वेट, ठीक है, इट इज नोन दैट ब्लैक बॉल इज हैवियर देन रेड एंड ब्लू, ठीक है, येलो बॉल इज लाइटर देन रेड बॉल, ब्लू बॉल इज हैवियर देन रेड एंड ग्रीन, ठीक है, अब सबसे हल्की बॉल कौन सी है ये पूछा जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए कि एलिमिनेशन आप यूज किया करिए, ठीक है, फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे हल्की बॉल पूछी गई है ना, तो आप देखिए ब्लैक बॉल जो है ये किसी न किसी से हैवियर है, ठीक
ठीक है, तो ब्लैक तो हैवियर हो जाएगी, रेड बॉल भी हैवियर है ठीक है, एंड ब्लू भी हैवियर है, तो क्या रह जा रहा है, येलो एंड ग्रीन। अब आप देखिए जरा, येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन दिया है क्या? येलो एंड ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे हल्की बॉल कौन होगी, आइदर और, या तो येलो या तो ग्रीन, सिंपल है। तो आपको इसमें कहीं कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं है, अगर कोई रिलेशन होता तो पूरा चार्ट हम बनाते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया कि अ डिवाइस क्लासिफाई नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है, द नंबर मस्ट हैव 5 डिजिट होने चाहिए नंबर, ठीक है, सभी 5 डिजिट हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिडिल डिजिट इज एन ऑड नंबर एंड इट इज एन एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक है, तो मिडिल जो है ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का जो है सम होना चाहिए, 415, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 एंड 4 क्या प्लस होके ये चीज आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ठीक है, सेकेंड नंबर कैसे मालूम चलेगा, फर्स्ट और थर्ड के डिफरेंस से, तो ये फर्स्ट 1 है, थर्ड क्या है, 5 है, 5 - 1 = 4, सिंपल है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ये सीरीज है एफ ए क्यू ए क्यू एफ, ठीक है, एफ ए क्यू। अब देखिए इसमें केवल जो है पोजिशनिंग का क्वेश्चन है, पोजिशन बस चेंज किया गया है, तो आप देखिए ये जो एफ फर्स्ट में है वो क्या हो गया, लास्ट में हो गया, ये एफ फर्स्ट में है, ये क्या हो गया, लास्ट में हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट वाली चीज कहाँ चली जा रही है, लास्ट में चली जा रही है, तो ये ए है, ये कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट में आ जा रहा है, ठीक है, ये देखिए ये सेकंड पे है तो फर्स्ट में आ जा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड क्या है, क्यू, तो ये क्या होगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। जरा ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग क्यू से होना चाहिए, एंडिंग ए से होना चाहिए, तो क्यू और ए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी आप देख सकते हैं कि अब देखिए जो थर्ड है वो कहाँ पे आ जा रहा है, सेकंड पे आ जा रहा है, तो ये थर्ड है ये कहाँ पे आएगा, सेकंड पे आ जाएगा, तो क्यू एफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डैश मीन्स इज लेस देन, हैशटैग मीन्स ग्रेटर देन, एंड स्टार मीन्स इज इक्वल टू, ठीक है, और ये चीज दी गई है, तो देखिए ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इज लेस देन है तो क्या होगा, ठीक है, स्टार का क्या मतलब है, इज इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू डी, एंड हैशटैग मीन्स ग्रेटर देन, तो सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो इसको बनाते हैं, ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, और सी और डी इक्वल है तो सी और डी जो है यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या सही है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है, लेस देन, तो क्या डी जो है ए से छोटा है, देखिए क्या डी ए से छोटा है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हैश टैग का क्या मतलब है, ग्रेटर देन ना, तो क्या बी बड़ा है डी से, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत, ए और सी इक्वल है, नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, डी, टिक कर दीजिए, क्या है ये देखिए ए इस तरीके से आना चाहिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन क्या दिया गया है कि मनी कैन रिजॉल्व मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, ठीक है, सही है ये, एंड रीजन क्या दिया गया है कि वी आर लिविंग इन अ हायरार्कियल सोसाइटी, ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट तो क्लियर सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, मनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है लेकिन इस वजह से नहीं करती कि हम हायरार्कियल सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, फाइंड ऑड वन आउट करना है आपको, कैबेज पोटैटो ओनियन एंड लेटस दिया हुआ है, तो एसेट पोटैटो ऑल आर लीफी वेजिटेबल, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट आर रेंडमली चूजन, 140 लाइक टी एंड 120 लाइक कॉफी एंड 70 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हाउ मेनी लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है, तो देखिए टोटल जो है 200 स्टूडेंट है, ठीक है, अब ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया, कॉमन वाले कितने हैं, 70 लाइक बोथ, तो ये 70 हो गया, ठीक है, अब ओनली टी वाले कितने होंगे, 70, एंड ओनली कॉफी वाले कितने होंगे, 50, ठीक है, तो टोटल जो है 190 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो कॉफी ले रहे हैं या तो टी ले रहे हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200, और 190 कुछ न कुछ ले रहे हैं, इसका मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही कॉफी ले रहे हैं ना ही टी ले रहे हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 6 पर्सन जो है ये रूम में बैठे हुए हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है ये,
एंड टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, ठीक है, एंड सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी इज फर्स्ट वन इन द रो एंड सी एंड एच आर नॉट सिटिंग टूगेदर, ठीक है। अब देखिए ये रो में बैठे हुए हैं, अब इनका फेस जो है ये नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है मेंशन नहीं है, और कभी भी एनटीए जब भी पेपर बनाती है और कुछ मेंशन ना हो तो आप उसको नॉर्थ ही समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो सीमेट जब भी क्वेश्चन पूछती है चाहे वो सीमेट का हो या सीवीटी का हो, और अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि नॉर्थ है साउथ, तो नॉर्थ के ही अकॉर्डिंग जो है उनका आंसर रहता है, तो आप इसको नॉर्थ ही समझिए। तो देखिए ये 6 पर्सन है, सी और जी के बीच में दो लोग बैठे रहेंगे, ठीक है, तो देखिए सी और जी के बीच में सभी में दो बैठे हैं, ठीक है, सी और एच एक साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी और एच एक साथ है तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो सी जो है बी के ठीक लेफ्ट में होना चाहिए, तो देखिए ये ठीक लेफ्ट में है और ये यहाँ पे ठीक लेफ्ट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है राइट में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। साउथ अगर रहता ना तो हमारा ये आंसर सही होता, ठीक है। सपोज कीजिए कि नॉर्थ और साउथ हम दोनों के अगर हिसाब से देखें तो क्या होगा, तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा, बी एंड सी आ जा रहा है, ठीक है, और अगर साउथ के अकॉर्डिंग देखें कि ये केवल साउथ में देख रहे हैं तो डी वाला तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सी और एच एक साथ नहीं बैठना है, अगर ये साउथ में देखेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर सही है, ठीक है, तब ये इसके लेफ्ट में हो जाएगा, तब ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, अगर आप साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन ए तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्थ ही किया गया, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द पेयर विच हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस, सिंपल, देन लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज पेरीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिया गया है कि एट 3 o'clock आवर एंड पॉइंट टूवर्ड्स द वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट एंड पॉइंट एट 7:45, ठीक है, तो आप ये बताइए कि जब भी 3 बजेगा, ठीक है, तो आवर एंड हमारा किधर होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, तो ये हमारा डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो एट 3 o'clock आवर एंड हमारा किधर होगा, ईस्ट में होगा, लेकिन जो है ये कह रहे हैं वेस्ट में है, ठीक है, तो ईस्ट को जो है ये वेस्ट समझ रहे हैं, क्या करना है हमें, जस्ट रिवर्स कर देना है जो भी आंसर आएगा, तो 7:45 किधर होगा, 7:45 कैसे होगा, ऐसे 7:45 होगा, तो 7:45 पे मिनट हैंड हमारा किधर है, ये वेस्ट में है, तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता जो नॉर्थ में आता तो साउथ कर देते, जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है, क्योंकि एट 3 o'clock, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा आवर एंड का, ईस्ट में होगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, वेस्ट में है, ठीक है, तो जस्ट रिवर्स कर देना आप, तो मिनट हैंड किधर होगा, वेस्ट में, जस्ट रिवर्स करिए तो क्या आंसर होगा, ईस्ट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीएलोकेट द ब्रिक प्लेन अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है, ब्रिक प्लेन का क्या मतलब होता है, ईंट भट्टा जहाँ पे ईंट बनती है, ठीक है, अब अजम्पशन क्या दिया है कि पॉल्यूशन इन द सिटी इज बीइंग कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिक प्लेन इन द सिटी, अब देखिए ये तो स्टेटमेंट में कहीं लिखा नहीं है कि केवल इसी की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि वर्कर्स शॉल बी एबल टू ट्रेवल डेली टू द न्यू साइट ऑफ ब्रिक प्लेन, ठीक है, तो ये अजम्पशन सही है क्योंकि वर्कर जो है वहां जा सकते हैं, तभी यही सोच के गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, ठीक है, उसको वहां पे ट्रांसफर किया होगा, तो अजम्पशन 2 इज राइट बट 1 इज रॉन्ग, ठीक है, तो केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 144 इज रिलेटेड टू 77 इन द सेम वे 168 इज रिलेटेड टू, तो देखिए ये इसका ऑलमोस्ट हाफ लग रहा है, ठीक है, तो इसको जरा चेक करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना होगा, 72 आ रहा है, इसका मतलब 5+ हो रहा है तो कितना आ रहा है, 77। नेक्स्ट चेक करते हैं 168 का हाफ करिए तो ये कितना हो जाएगा, 84, इसमें भी 5+ कर दीजिए तो कितना होगा, 89, ठीक है, तो 89 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए ये सीरीज है तो इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 11, ये क्या होगा 16, तो ये देखिए क्या होगा, +3 +4 +5, तो नेक्स्ट क्या होगा, +6, तो ये क्या होगा, 22 पे क्या आएगा, V आएगा, ठीक है, चलिए तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया,
नेक्स्ट जरा देखिए क्या होगा, ये 9 होगा, ये 13 होगा, यू 17 होगा, यू 21 होगा, तो ये कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, +4 दैट इज 25, तो क्या होगा, वाई होगा, वी वाई है, ए ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया कि 6 स्टूडेंट है और सभी जो है हेक्सागोनल टेबल के कॉर्नर पर बैठे हुए हैं एंड फेसिंग का किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक है, तो एक हेक्सागोनल हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है, क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, तो यहाँ पे हम कहीं क्यू बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आर कर लेते हैं, यहाँ पे एस कर लेते हैं, ठीक है, या आर यहाँ पे कर सकते हैं, एस यहाँ पे कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखिए कि टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अब आप ये बताइए ये एस है, ठीक है, अब इसके लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे फिर क्या आएगा, टी आएगा, इसका मतलब ये पोजीशन गलत है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एस कर देते हैं, यहाँ पे आर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये एस है, अब सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है, टी, तो यहाँ पे किसको आप बैठा दीजिए, टी को बैठा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक, अब ये बताइए यहाँ पे अगर यू है तो इसके सेकेंड नंबर पे इसके लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, ठीक है, पी बैठ जाएगा, पूरा टेबल अरेंज हो गया। क्या क्वेश्चन है कि हुई इज ऑन द राइट ऑफ आर, तो आर के राइट में कौन है, पी है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि राम ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, आफ्टर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर ही टूक अ राइट टर्न एंड देन कवर 2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ जो है जा रहे हैं, कितना, 10 किलोमीटर, एंड देन राइट टर्न होते हैं, राइट मतलब क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, कितना, 2 किलोमीटर, देन ही टूक अ 45 डिग्री टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, आप जानते हैं क्लॉकवाइज ऐसे होता है। अब ये कितने डिग्री मूव कर रहे हैं, 45, अगर 90 मूव करते तो कितना करते, 90 करते तो इतना कर लेते, 45 कितना होगा, 45 ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, और ये कितना जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में है, तो आप ये बताइए डायरेक्शन कौन सा होता है, ठीक है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, वेस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, तो क्या होगा, साउथ वेस्ट, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया असर्शन और दो रीजन दिए गए हैं, असर्शन क्या है कि द क्लास 10th रिजल्ट इज वेरी पुअर दिस ईयर, ठीक है, रीजन क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 10th क्लास हैव इंक्रीज, ठीक है, तो नंबर इंक्रीज होने से रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये पहला रीजन तो गलत है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन से रिजल्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये दोनों ही गलत है, तो कोई जो है वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूरज वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो ये 6 मीटर इधर आ गए, देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गए और 8 मीटर आ गए, एंड देन टूक अ राइट टर्न एंड देन डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर पे ये जाते हैं, ठीक है, एंड देन ही वॉक 10 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये 10 मीटर जो जाएंगे ये एग्जैक्ट यहाँ पे जाएगा कि कहीं इधर बीच में जाएगा, हाइपोटेनस चेक करिए, 8 है 6 है, तो आप जानते होंगे मैथ्स में 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये नहीं जानते तो आप ऐसे पैथागोरस से भी चेक कर सकते हैं, ये क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा, दैट इज √100, दैट इज 10, इसका मतलब ये एग्जैक्ट कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट पे जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, देन एग्जैक्ट 6 मीटर पे है, अप्रॉक्स की जरूरत तब पड़ती है जब ये कहीं इधर बीच बीच में जाता, ठीक है, तब देखते, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, 6 मीटर पे, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी फादर इन लॉ एंड ए एंड सी आर सिबलिंग, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, तो देखिए ये बी हो गई, ठीक है, और डी जो है क्या है, इनके हस्बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी फादर इन लॉ,
ठीक है, तो ये सपोज कीजिए कि बी के जो है ये फादर इन लॉ है, ठीक है, कोई होगा तो ये बी के जो है फादर इन लॉ हो गए, और ए जो है इनकी सिस्टर है, तो ए जो है इनकी सिस्टर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड सी आर सिबलिंग, ठीक है, तो ए और सी जो है सिबलिंग है। अब ये सी जो है ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि डी जो है ये कैसे ए से रिलेटेड है, तो आप ये बताइए कि ये डी है, ये इनके क्या लगेंगे, ये इनके सन लगेंगे, और डी ए की क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगी, लेकिन ये कहीं आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आंट लिख सकते हैं, सिंपल है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी सिंपल थे, कुछ ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े ठीक थे, डायरेक्शन का भी क्वेश्चन सिंपल था, असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन सही था, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन सिंपल आए हुए थे, ठीक है, क्लॉक का भी क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था ये भी सिंपल था, तो पेपर जो है ऑलमोस्ट सिंपल था। देखिए आज की क्लास में सीमैट 2021 स्लॉट वन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये काउंटिंग द फिगर का है, एंड सीमैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको जो है आप सिंपली काउंट कर सकते हैं। आप अगर काउंट करते भी हैं मैक्सिमम 40 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए इसमें ट्रेंगल काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे इंडिविजुअली हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ये ट्रेंगल जो है ये ट्रेंगल 7 होगा, 6 था ना इंडिविजुअली, ये फिर आपका 7 होगा यहाँ से ये वाला, उसके बाद से जो है ये आपका 8 होगा, फिर ये पूरा पूरा आपका 9 होगा, तो ये टोटल आपका 9 हुआ। नेक्स्ट जो है ये आपका 10th नंबर पे होगा, फिर ये आपका 11th नंबर पे होगा, एंड फिर ये आपका जो है ये आपका 12th नंबर पे होगा, एंड ये पोर्शन जो है ये आपका टोटल 13 हो गया। तो टोटल जो है इसमें 13 ट्रायंगल है। अगर इसमें आपको कोई अगर ट्रिक नहीं भी मालूम है मैक्सिमम 40 सेकेंड में जो है आप काउंट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम, सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है कि द पर्सन बींग सोशलाइज एक्वायर न्यू स्किल, एंड सेकेंड कंक्लूजन है कि सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर। देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन तो ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब जब इसमें आउटकम अगर मिल रहा है तो इट डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर, ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल कंक्लूजन वन सही है, बाकी जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 18 13 10 15 12। अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 13 से 15, देन 15 से क्या होगा 17 हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी सीरीज का क्वेश्चन है 30 56 90 182 240। 30, ये 30 एंड 56 में डिफरेंस कितने का है 26 का, 56 और 90 में डिफरेंस कितने का है 34 का, एंड 182 एंड 240 में डिफरेंस कितने का है 58 का। 26 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है तो 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना, तो 90 और 42 कितना हो जाएगा दैट इज 132, ठीक है। देखिए 26 हुआ, 34 हुआ, 42 हुआ, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है तो यहाँ पे भी 8 का गैप होगा, तो 42 और 8 कितना होगा 50, ठीक है, एंड 50 एंड 8 यहाँ पे भी गैप होना चाहिए तो कितना हुआ 58, तो 132 और 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो सीरीज सही चल रही है, यहाँ 26 का गैप, 34 42 50 एंड 58। एंड कभी भी अगर सीरीज के क्वेश्चन में आपको अगर एक हिंट ना मिले तो सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करिए, एंड उसके बाद से फिर से एक बार और डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। अब ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन क्लास। स्टेटमेंट क्या है कि पवन स्कोर 98 मार्क्स इन द क्लास,
स्वाति स्कोर मोर देन 98 मार्क्स इन द क्लास एंड द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट वेयर लेस देन दैट ऑफ स्वाति मार्क्स. तो सिंपल, स्वाति के ही मार्क्स जो हैं सबसे हाईएस्ट हैं और सभी के कम हैं. तो स्टेटमेंट सी इज सफिशियंट टू फाइंड द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है. स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं. स्टेटमेंट है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, आर्गुमेंट ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सही है. एंड ट्री ऑक्यूपाइड टू मच ऑफ द अर्थ सर्फेस, ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत है. तो आर्गुमेंट वन इज राइट, दैट इज ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. थ्री सर्कल है एक्स वाई जेड. एक्स जो है ये म्यूजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई सिंगर एंड डांसर, जेड जो है ये डांसर हो जाएंगे. ठीक है, द सर्कल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म रीजन ए बी सी डी. ठीक है, सेलेक्ट द रीजन दैट रिप्रेजेंट म्यूजिशियन हु आर सिंगर बट नॉट डांसर. ठीक है, डांसर नहीं होना चाहिए, डांसर नहीं होना चाहिए. तो ये पूरा पूरा जो है यहाँ से तो आंसर होगा नहीं, ए बी सी रिमूव कर दीजिए. म्यूजिशियन और सिंगर में कॉमन क्या है, दैट इज डी. ठीक है ना, तो ओनली डी, दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल. नेक्स्ट देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है. सिंपली इसकी नंबरिंग लिखते हैं, सिंपल हो जाएगा ये. इलेवन, 13, 15, 17, एस की नंबरिंग क्या है, 19, 21, 23 एंड 24, 1, 3, 5 और 7, 9, 11, 13 एंड 15. तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये गैप है, दो दो का गैप है, 11, 13, 15, 17, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये 23 और 24 ये कंटिन्यू हो जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है ना, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि क्लॉज इज कोडेड एज दिस. ठीक है, आप देखिए ये जो क्लॉज है इसको आप देखिए, सी एल ए है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट पोजीशन है इसकी. तो इसी तरीके से अंपायर में यू एम पी देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, तो सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए. देखिए कहीं है, यहाँ पे सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं. यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है. सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखिए अल्टरनेट पे यू एम पी होना चाहिए, यू एम पी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72, 70, 67, 65, 58, 52, 45. अब इसमें देखिए इस सीरीज में रॉन्ग क्या है, 72 से 70 हो रहा है तो -2, 70 से 67 हो रहा है तो -3, -2, -3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए. 67 से 65 -2 सो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 63 हो जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 67 और 63 दैट इज -4. 63 और 58 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -5. 58 और 52 के बीच में डिफरेंस, ठीक है, 6 कम हो रहा है. एंड 52 से 45 7 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 63 होना चाहिए, 65 ही जो है ये गलत है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रोजेज आर रेड इज कोडेड एज दिस एंड रोजेज आर ब्यूटीफुल इज कोडेड एज दिस. ये कलर का, सॉरी, रेड का जो कोड है ये क्या होगा. देखिए दोनों में कॉमन क्या है, रोजेज आर, रोजेज आर ये कॉमन है, तो ये जो कोड वर्ड है इसमें क्या कॉमन होगा, टी और ना जो है कॉमन है, टी एंड ना जो है कॉमन है. तो फिर क्या है रेड का, फिर कोड क्या होगा, दैट इज ओ के ओ. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया
एंड ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत. सेफी इज सिटिंग अपोजिट टू जसमीत एंड टू द राइट ऑफ कुणाल. हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल. देखिए टोटल जो है सिक्स फ्रेंड हैं, ठीक है, एंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं या अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं. तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो सभी जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं. तो टोटल सिक्स पर्सन है ना. क्या दिया गया है कि कुणाल इज सिटिंग, सिक्स पोजीशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया. तो ये आलिया की पोजीशन हो गई एंड इसके राइट में कुणाल, ठीक है. एंड ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, ठीक है, इसको भी देखते हैं बाद में. सेफी इज सिटिंग अपोजिट टू जसमीत एंड टू द राइट ऑफ कुणाल. कुणाल के ठीक राइट में कौन है? सेफी. एंड इसके ठीक रिवर्स में कौन है? जसमीत. तो यहाँ पे जो है जसमीत हो गई, ठीक है. अब देखिए इस लाइन पे आइए. ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत. तो यहाँ पे कौन होगा? आरती एंड ध्रुव जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक. क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल. आरती और कुणाल के बीच में कौन है? दैट इज सफी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस है ये मिडिल पोजीशन पे जा रहा है और ये जो सर्कल है ये डायरेक्ट कॉर्नर पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है ना. फिर देखिए ये यहाँ से मिडिल पे गया, ये हाफ जा रहा है, मूवमेंट है इसका. फिर ये कॉर्नर पे गया, ठीक. अब ये जब कॉर्नर पे गया है तो फिर ये यहाँ पे जाएगा. ये तो हाफ ही मूव कर रहा है ना, मिडिल में शिफ्ट हो रहा है ये. तो ये जो है अब जो न्यू पोजीशन होगी ये क्रॉस जो है ये जहाँ पे चला जाएगा. अब ये देखिए ये जो सर्कल है ये इंड पोजीशन पे जा रहा है. ये जहाँ से देखिए फिर ये इस इंड पोजीशन पे गया, फिर देखिए ये इस इंड पोजीशन पे गया. अब ये फिर कहाँ पे आएगा? इस इंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना. तो ऐसा फिगर कहाँ पे है? ऑप्शन डी. आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आया है. लखनऊ का कोड दिया गया है, आप ये बताइए. एल और एम इट मीन्स प्लस वन हो रहा है, यू और टी माइनस वन हो रहा है. प्लस वन और माइनस वन है सेम, आप जरा यहाँ पे करिए. एच में जरा प्लस वन ऐड करिए क्या होगा? आई. ए में माइनस वन करिए क्या होगा? जेड. आई जेड से देखिए कहीं स्टार्टिंग है. ऑप्शन ए सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. फ्लावर का कोड दिया गया है, राइट का कोड दिया गया है. देखिए ये जो है रिस्पेक्टिव कोड है. यहाँ पे देखिए ई और आर का कोड क्या है? दैट इज 1 और 6. इट मीन्स ई का कोड 1 है, आर का कोड क्या है? 6 है. यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए. ई का कोड देखिए 1 है, आर का कोड क्या है? 6 है. सिंपल. लेटर का क्या कोड होगा? लास्ट में ई आर का कोड क्या है? दैट इज 16 है. 1 6. देखिए लास्ट में 1 6 कहीं है? ऑप्शन सी. आप देखिए सभी क्वेश्चन जो है सीमेट, तो ये टोटल 3 घंटे का पेपर है, लेकिन आप देखिए टोटल 25 क्वेश्चन जो आए थे, आई थिंक मैक्सिमम 10 मिनट में जो है सभी क्वेश्चन हो जाएंगे. अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन देखिए. सोफिया इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन. ये देखिए सोफिया जो है ईस्ट की तरफ जा रही है. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम सी टर्न लेफ्ट. अब ये लेफ्ट टर्न हुई एंड देन टर्न राइट, ठीक है ना, 45 डिग्री. तो यहाँ से जो है 45 डिग्री ये राइट टर्न ले रही है. तो ये डायरेक्शन कौन सा है? ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका नॉर्थ हुआ. तो ये पूरा डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. डायग्राम बना हुआ है. स्टेटमेंट देखिए यहाँ से क्या है? ऑल टीचर आर डॉक्टर. क्या सभी टीचर डॉक्टर हैं? नहीं, ओनली सम टीचर आर डॉक्टर. तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं. स्टेटमेंट वन जहाँ पे भी है उसको आप कैंसिल आउट करिए. तो आप सोचिए आपके पास अगर केवल 20 सेकेंड का टाइम हो तो ये देखिए पहला तो गलत है ना, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वन स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सही है. यहाँ पे भी वन है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी वन है तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है. लेकिन पूरा ही सॉल्व देख लेते हैं. सम डॉक्टर आर टीचर, तो सही है. कुछ डॉक्टर जो है ये टीचर हैं.
एंड ऑल सर्जन आर डॉक्टर, क्या सभी सर्जन डॉक्टर हैं? तो ये देखिए इसी के अंडर में है ये, सही है। दूसरा एंड तीसरा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि सोलर एनर्जी इज इन एविडेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ, सही भी है। रीजन, सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन समर सीजन, ये तो गलत है। इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है। दैट इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे देखिए। दिया गया है कि पी इज द फादर ऑफ आर, तो पी जो है ये आर के जो है ये फादर है, ठीक है ना। तो एक जनरेशन गैप है तो इसको ऐसे शो करते हैं, फादर है ना, तो मेल को जो है प्लस से शो करते हैं। क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, सब सेम जनरेशन हो तो सेम लाइन होगी, एंड सिस्टर ना दोनों फीमेल को माइनस से शो कर रहे हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ सी, आर जो है ये मेल हो जाएगा, ठीक है ना, डन। एंड एस इज द मदर ऑफ पी, एस इज द मदर ऑफ पी, ठीक है। देखिए सेम जनरेशन तो है नहीं, जब जनरेशन गैप हो तो ऐसे शो करेंगे, एस इज द मदर ना, माइनस से शो कर रहे हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, दैट इज ग्रैंडसन, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि अंश इज टॉलर देन अक्षिता, ठीक है, अंश इज टॉलर देन अक्षिता बट टॉलर देन शरद, बट टॉलर देन सॉरी बट शॉर्टर देन शरद, शॉर्टर देन शरद, अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद, अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद बट टॉलर देन स्नेहा, टॉलर देन स्नेहा, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? दैट इज शरद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म आपको बताना है, सी डी ई मिसिंग है, फिर एफ जी, आई जे के नहीं है, फिर एल एम कॉन्टिन्यूस, फिर आई जे के एल एम है, एन है नहीं है, फिर ओ पी क्यू नहीं है, फिर आर एस है, तो फिर यहाँ टी नहीं होगा, यू और वी कॉन्टिन्यूस आएगा, फिर डब्ल्यू मिसिंग होगा, फिर एक्स वाई, ठीक है ना, तो यू वी एक्स वाई कहीं है, यू वी एक्स वाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ये जो बीज होते हैं इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉन्ग, तो ये लाइन के ग्रुप को क्या कहेंगे, प्राइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इसे देखिए। ए सेज टू बी, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन, इसका क्या मतलब है कि बी के फादर की जो मदर है वो कौन है, ए है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो वो कैसे ये रिलेटेड होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन इज 5 रैंक अहेड ऑफ ईशान, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, इफ ईशान रैंक इज 14 फ्रॉम द लास्ट, देन व्हाट इज द अमन रैंक स्टार्टिंग फ्रॉम चेटन एट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 13 है, और ये ईशान की जो रैंक है ये लास्ट से कितनी है, 30th, ईशान की जो लास्ट से रैंक है ये कितनी है, 30 है, तो इस ईशान की जो है स्टार्टिंग से रैंक कितनी होगी, दैट इज 30, ठीक है, सॉरी टोटल स्टूडेंट 30 है एंड ईशान की जो रैंक लास्ट से है ये कितनी है, 14 है, तो 30 माइनस 14 प्लस 1, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी, दैट इज 17, स्टार्टिंग से रैंक कितनी है, 17 है ना, एंड अमन की रैंक क्या है, 5 अधिक है, दैट इज 5 माइनस कर दीजिए, तो अमन की स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंड डी प्ले टेनिस, बी एंड सी प्ले फुटबॉल ऑल्सो, डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन, हु प्ले ओनली टेनिस, इसको वेन डायग्राम से कर देते हैं, टेनिस फुटबॉल एंड बैडमिंटन। देखिए ए बी सी डी जो है ये टेनिस खेल रहे हैं ना, बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो बी और सी जो है, सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं कि बी और सी जो है
ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन। डी जो है चेस तो नहीं खेल रहा है लेकिन बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी को यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, यहाँ पे आ गया। और ए बी सी डी ये तो टेनिस खेल ही रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी ये सभी टेनिस खेल रहे हैं, सभी टेनिस में आ गए। बी और सी फुटबॉल खेल रहे थे, तो देखिए बी और सी फुटबॉल में तो है ही। एंड डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी जो है देखिए बैडमिंटन तो खेल ही रहा है। पूछा गया है हु प्ले ओनली टेनिस, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यही ओनली होता है, तो ओनली टेनिस कौन खेल रहा है? दैट इज ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहा है ना, तो जो ये बी है ये फुटबॉल भी खेल रहा है और ये टेनिस भी खेल रहा है, सी जो है ये भी फुटबॉल खेल रहा है और ये टेनिस खेल रहा है, डी जो है ठीक है ये बैडमिंटन भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है, यही जो है ये सिर्फ क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल था। तो देखिए 2021 में 25 क्वेश्चन आए थे, एंड आई थिंक जो है मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 10 से 12 मिनट में हो जाएगा। तो सी मैट में रीजनिंग जो है ये इजी रहता है, मैथ्स में आपको, मैथ्स एंड डीआई में आपको थोड़ा सा लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए आज की क्लास में हम लोग सी मैट 2021 के रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए देखिए इसमें दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेप्टाइल इज कोडेड एज 49 एंड स्नेक इज कोडेड एज 25, देन क्रोकोडाइल का कोड क्या होगा? देखिए रेप्टाइल में टोटल कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49। स्नेक में 5 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। क्रोकोडाइल में कितने हैं? 9 है टोटल, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। सिंपल है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द इनपुट इफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ स्टेप 4 इज दिस, ठीक है। अगर स्टेप 4 में अरेंजमेंट अगर ये रहेगा देन इनपुट क्या होगा? तो आप जरा सीक्वेंस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये वैल्यू स्क्वायर हो रही है, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, के का स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 3 12, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4, इसका मतलब जो है स्क्वायर करने के बाद यही वैल्यू जो है ऐड हो जा रही है। फिर देखिए यहाँ पे +5 हो रहा है, ठीक है, तो ये +5 हो गया, एंड देन -2 हो रहा है, ठीक है, -2 हो गया। तो देखिए स्टेप 4 दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट कहाँ आना है, इनपुट पे आना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 माइनस 2, दैट इज +3, ठीक है। देखिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें से कोई हमारा एक इनपुट होगा और ये अरेंजमेंट 4 दिया गया है, तो हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, दैट इज 9, ठीक है। तो ये देखिए अरेंजमेंट 4 में ये 9 आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 2 होगा, ये ठीक है, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 10 चेक करते हैं तो क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, दैट इज 113। अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, 75 आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन पे जहाँ पे भी 10 है ये गलत है, तो बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 10 पे क्या आ रहा है, 113 आ रहा है, ये देखिए तीसरे वाले पे क्या आ रहा है, 113 आ रहा है। 8 का भी आप चेक कर सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3, दैट इज 75। सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है कि बी सी जी इज कोडेड एज ई एफ जे, देन फॉल्स की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो आप बस नंबरिंग यहाँ पे लिख लीजिए, 2 3 7, यहाँ पे क्या होगा, 5 6 10, ठीक है, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ पे देखिए आई आई हर जगह, 3 जगह आई है, तो काम करते हैं आखिरी वाला तो चेंज है ना, तो आखिरी वाला ही डायरेक्ट चेक करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5 प्लस 3 8, डेट इज एच, जहां पे भी आखिरी में एच है उसको टिक कर दीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पेजेज ऑफ द बुक राम रीड ऑन मंडे, ठीक है, एंड द बुक वॉज रीड कम्प्लीटली बाई ट्यूजडे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है कि राम रीड लास्ट 30 पेज ऑफ द बुक ऑन ट्यूजडे, ठीक है, ट्यूजडे को जो है ये 30 पेज पढ़ते हैं। एंड स्टेटमेंट 2 में दिया गया है कि टोटल 600 पेजेस हैं,
आउट ऑफ विच हाफ वेयर रीड बाई राम बिफोर मंडे, ठीक है, तो हाफ जो है मंडे के पहले इन्होंने पढ़ा है, ठीक है, तो मंडे को इन्होंने कितना पढ़ा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मंडे के पहले इन्होंने हाफ पढ़ लिया है ना, इससे पहले इन्होंने 300 पढ़ लिया है, ठीक है, और मंडे और ट्यूजडे को कंबाइन करके 300 पढ़ा होगा, एंड इसमें से भी ट्यूजडे को कितना पढ़ा है 30, तो मंडे को कितना पढ़ा होगा 270। अब जरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कि डाटा इन स्टेटमेंट वन इज एलोन टू सफिशियंट टू फाइंड द आंसर, नहीं हमें तो दोनों डाटा की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, तो देखिए जहां पे भी दोनों दिया गया, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू फाइंड द आंसर, ठीक है, हमें दोनों स्टेटमेंट की जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, दैट इज वैल्यू क्या होगी, यू होगी, ठीक है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, तो यहाँ 11 की वैल्यू क्या आएगी, के यू के है कहीं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या स्टेटमेंट है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, एक नोटिस जो है ये दिया गया, और टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, नोटिस बाई मे रीड द नोटिस एंड मे नॉट ट्रेसपास, ठीक है, अगर नोटिस लगाया गया तो सिंपल सी बात है कि वो पढ़ेंगे उसको, तभी उन्होंने लगाया, तो स्टेटमेंट वन ठीक है, द पीपुल आर स्केयर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो लोग इससे क्या है प्रोसिक्यूशन से डरते हैं, तो दूसरा भी ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इम्प्लिसिट, सिंपल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वही ये इनपुट का आउटपुट का क्वेश्चन है, ठीक है, सारी सीरीज सीक्वेंस वही है, क्वेश्चन चेंज है, विच इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन इन द स्टेप इफ द स्टेप 3 ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज दिस, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया है कि विच इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इन इन द स्टेप 3 ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, ये इनपुट है, ठीक है, स्टेप 3 में आपसे पूछा गया है फिफ्थ पोजिशन, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पोजिशन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे के स्क्वायर हो रहा था प्लस के हो रहा था, ठीक है, देन प्लस 5 हो रहा था, ठीक है, तो फिफ्थ पूछा है ना, तो फिफ्थ में क्या करिए आप, 8 स्क्वायर, इनपुट यही है ना, तो हम केवल फिफ्थ का पूछा है, तो हम फिफ्थ का देखते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 77 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, द स्लिप फील्डर कैन कैच अ बॉल ओनली इफ द बैट्समैन इज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट एंड ही ट्राई टू हिट द बॉल, ठीक है, ये स्लिप फील्डर कैच कब करेगा, जब बैट्समैन जो है एकदम फ्रंट फुट पे आएगा और ये बॉल को हिट करेगा, तभी कैच हो पाएगा। अब जरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, कि द बैट्समैन इज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट हेंस द स्लिप फील्डर कैन नॉट कैच द बॉल, नहीं अभी इनको फ्रंट फुट पे आना होगा, बॉल को हिट करना होगा, ठीक है, लिखा है कि अगर ये फ्रंट फुट पे आए हैं तो ये स्लिप फील्डर जो है बॉल कैच नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, द बैट्समैन डिड नॉट ट्राई टू हिट द बॉल हेंस द स्लिप फील्डर कैन नॉट कैच द बॉल, ठीक है, देखिए ये सही है, बैट्समैन ने जो है बॉल को हिट नहीं किया, जब हिट नहीं किया तो फिर कैच भी नहीं होगा। थर्ड, द फील्डर कॉट द बॉल मीन्स द बैट्समैन वॉज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट एंड ही डिड नॉट ट्राई टू हिट द बॉल, देखिए यहीं पे लिखा है इनको फ्रंट फुट पे आना भी जरूरी है और बॉल को हिट करना भी जरूरी है, अब इन्होंने हिट नहीं किया तो फिर ये कॉट कैसे होगा, ये भी गलत है, ऑल द अबव तो होगा नहीं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल है कि बॉल को जो है उसने हिट नहीं किया तो कैच भी नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेट, ठीक है, देखिए चिकन के जो है बेबी को क्या कहते हैं, चिक, तो पिग के बच्चे को क्या कहेंगे, पिगलेट, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि पी डॉलर क्यू, अब डॉलर का मतलब देखिए क्या है, कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, तो एक जनरेशन जो है यहाँ पे नीचे हो गया, ठीक है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैशटैग आर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे हो जाएगा ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो फिर एक स्टेप नीचे, ठीक है, तो एक जनरेशन ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, क्यू इज द मदर ऑफ आर, ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट आर एट द रेट एस,
इसका क्या मतलब है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर और एस क्या है? ठीक है, भाई है, ठीक है। अब देखिए क्या है, किस में रिलेशन पूछा गया है? पी और आर में रिलेशन पूछा गया है, तो पी और आर में रिलेशन क्या है? ग्रैंडसन का, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और पी इज फोर टू राइट ऑफ टी, डब्ल्यू इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर एंड यू विच आर बोथ एट द एंड आर नेवर ऑफ क्यू एंड टी, ठीक है, एंड डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है, देखिए जो एक पोजिशन जो फिक्स है उसी से स्टार्ट करते हैं, आर एंड यू विच आर एट बोथ द एंड, तो देखिए आर और यू को जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में कितने हैं? टोटल 8 हैं, तो 6 पोजीशन होगी, या ये भी हो सकता है कि यू इधर हो और आर इधर भी, आर इधर हो, ये 6 पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए कि विच आर बोथ एट द एंड आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी, तो आर की नेबर कौन है? क्यू, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्यू, ठीक है, और यू के नेबर कौन है? टी, तो यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे भी टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि पी इज फोर्थ टू राइट ऑफ टी, अब देखिए टी के राइट में, यहाँ तो जगह बची नहीं रही है राइट में, तो ये तो अरेंजमेंट फिर गलत हो गया। टी के राइट में पी का पोजिशन फोर्थ होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का पोजिशन हो गया, ठीक है, एंड पी इज नेवर ऑफ क्यू, ये तो ठीक था ही, यहाँ पे पी जो है क्यू का नेवर भी है, ठीक है। अब जरा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए ये क्यू वी और वी आर तो होगा नहीं, तो इसको कट कर दीजिए, पी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यू तो इस पोजिशन पे, ठीक, पहले पोजिशन पे, ये तो इमीडिएट है नहीं इसके, तो यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या ऑप्शन बचेगा? वी, इसका मतलब यहाँ वी है, यहाँ एस है, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको टिक करना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंस से चेक करते हैं, इसको जरा माइनस करिए, तो ये माइनस करने से कितना आएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये वैल्यू 5 है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 2835, ठीक है, तो इसको माइनस करिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, 2836, फिर इसको आप माइनस करिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, देखिए 2836, 2834, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2832 आना चाहिए, माइनस करिए जरा, कितना आ रहा है? 2839 आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये डिफरेंट है, इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का डिफरेंस, यहाँ 34 का डिफरेंस, मतलब 2836, 2834, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2832 आना चाहिए, ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा? 35 का डिफरेंस होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 85, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इसका क्या, इसका कोड हो रहा है, इंटीमेट हो रहा है, देन विच वर्ड हैज द कोड, ठीक है, इसका क्या कोड होगा? देखिए ये टोटल कितने हैं, जरा हाफ करिए, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये आई एन टी आई है, तो देखिए इधर से इसको रिवर्स कर दीजिए, आई एन टी आई एंड एम ए टी ई, ठीक है, इसको भी जरा हाफ करिए, ठीक है, यहाँ से इसको हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा? आई एन वी ई आर टी, आई एन वी ई आर टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद देखिए ये फिर रिपीट होना चाहिए, आई बी आर ए टी ई, इनवर्टेड, ठीक है, उसको आप अगर 10 सेकेंड में करना चाहें, तो देखिए एक लॉजिकल मीनिंग बन रही है, ठीक है, तो ये इंटीमेट हो रहा है, तो आप देखिए इनवर्टिबेट की स्पेलिंग जो सही है उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, वैसे सिंपल ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, देखिए एक साथ दो सीरीज चल रही है, 7 2 14, 14 और 2 28, ठीक है, 9 into 3 27, 27 into 3 81, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? इंटू टू
28 इंटू टू डेट इज 56। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पी इज हैवियर देन 3%, आर इज लाइटर देन टी, एस इज लाइटर देन ओनली क्यू, एंड आर की वेट जो है ये सबसे कम नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए? ये वाली लाइन देखिए, एस का वेट जो है ये केवल क्यू से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एस हो गया, और पी जो है हैवियर देन 3%, तो यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे तीन लोग और आएंगे। आर का वेट सबसे कम नहीं है तो आर तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, आर इज लाइटर देन टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर का वेट जो है ये टी से कम है, तो आखिरी में क्या आएगा? यू। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हु इज लाइटर एंड हैवियर देन पी। ठीक है, तो पी से लाइटर कौन है? तो टी है। ठीक है, और हैवियर कौन है? एस है, एस एन टी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा है कि अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड। ठीक है, और देखिए कभी भी जब ऑप्शन इस टाइप का दिया हो ना, बोथ टू एंड थ्री, ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दूसरा क्या लिखा है कि आई एम सेलेक्टेड इम्प्लाई आई स्कोर वेल। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब कि इन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, तो सही है ये। एंड आई विल नॉट स्कोर वेल मीन्स आई विल नॉट बी सेलेक्टेड, अब अगर अच्छे स्कोर नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही सही है, बी और सी, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहले नंबर देखते हैं, यहाँ टू है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, इसका मतलब यहाँ फोर होगा, तो फोर यहाँ पे भी नहीं है, फोर यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा, बी सी डी। ठीक है, देन डी से स्टार्टिंग हो रही है, डी ई एफ, तो फिर क्या होगा? एफ जी एच, एफ जी एस दोनों में है। ठीक है, पोजीशन देखिए जरा, टू नंबर टू पे है, थ्री नंबर थ्री पे है, तो फोर भी कहाँ होगा? नंबर फोर पे होगा, कहाँ पे है ये? ऑप्शन सी में। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 19 क्वेश्चन, यही इनपुट का क्वेश्चन है। ठीक है, वही लॉजिक है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 माइनस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए क्या कह रहा है कि इफ 159 इज वन ऑफ द नंबर इन स्टेप फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनपुट नंबर। ठीक है, इसको चेक करिए जरा। देखिए अगर इनपुट 13 है तो इस पे स्क्वायर होना है, फिर प्लस होना है, तो इसका स्क्वायर ही अभी 169 हो जाएगा, और लाना क्या है 159, तो ये तो होगा नहीं, 22 भी नहीं होगा। ऑप्शन से चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होगा? ये 4 का ही है ना। ठीक है, प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, ये 4 का ही है अरेंजमेंट, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, तो 113 हो जाएगा, ये तो लाना नहीं है। लाना क्या है? 12 है, 159 लाना है, 12 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3, ठीक है, तो 144, 156, 159। सिंपल है, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, 12। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं ऊपर ना लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग लिख देते हैं सबकी। ठीक है, ये डायरेक्ट वहां पे भी लिखा जा सकता था, लेकिन यही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 है प्लस 2 7, ठीक है, 22 से 24, 18 से 20, फिर 5 से 7, मतलब +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी? ठीक है, देखिए अभी ये क्या है, 20 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 22। 22 की वैल्यू क्या होगी? V। ठीक है, N की वैल्यू क्या है? 14, तो यहाँ पे क्या होगा? 16। 16 की वैल्यू क्या होगी? P। कई सारी जगह VP दिया हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं, 5 7 डेट इज जी, लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ओरल चेक करते रहिए। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी हो गई? 19 हो गई, 21 है यू। ठीक है, एक और देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ई है, 5 है, फिर 7, डेट इज जी, VP जी UG पहला ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है। चलिए वैल्यू याद रहेगी तो आप तुरंत कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग राउंड द सर्कल, ठीक है, एंड आर फेसिंग द सेंटर, ठीक
टी सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, ठीक है, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, वी इज द नेबर ऑफ यू, क्यू इज बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, यू इज द राइट ऑफ एस, हु इज द सिटिंग एडजेसेंट टू वी, वी के बगल में देखिए कौन बैठा है, ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, वी इज द नेबर ऑफ यू, ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वी का जो एडजेसेंट कौन है, यू तो होगा ही होगा, ये भी नहीं होगा। अब जरा और देखिए, टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, अब देखिए टी किसका नेबर है, वी का नेबर है, तो एक हमारा क्या निकल रहा था यू, और एक क्या निकल गया टी, यू एंड टी, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें देखिए रिलेशंस इसमें आपको समझना है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 7 प्लस 4 11 इंटू 7 डेट इज 77, ठीक है, इसमें भी क्या होगा 14 प्लस 4, ठीक है, डेट इज 18, आपको 14 से जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, कितना आ जाएगा 252, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब बस वैल्यू देखिए, ये 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और फिर ये 2 से 1 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू 6 से 8 हो रही है, और फिर ये 7 से 6 हो जा रही है, मतलब 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 कम हो जा रहा है, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, 13 की वैल्यू एम, ये एल 12 है, 1 कम होना चाहिए, दैट इज 11 की वैल्यू क्या होगी के, एम के देखिए है क्या, बी इज द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि वेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, आई एंड अप स्पेंडिंग मोर, ठीक है, जब ये शॉपिंग जाते हैं, ठीक है, जब भी ये शॉपिंग जाते हैं तो खर्चे इनके अधिक होते हैं, ठीक है, अब लिखा है कि आई वेंट फॉर शॉपिंग मीन्स आई एंड अप स्पेंडिंग लेस, तो ये तो गलत है, शॉपिंग जाने पे तो इनके खर्चे ज्यादा होते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, अब ये पहला गलत है, तो ये बोथ 1 एंड 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 इसमें भी आ गया, इन दोनों में चेक करना है, आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग इम्प्लाई आई डिड नॉट स्पेंड मोर, ठीक है, देखिए अगर ये शॉपिंग पे नहीं जा रहे हैं, ये इम्प्लाई करता है कि इन्होंने खर्चे ज्यादा नहीं किए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कहीं और खर्चे किए होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जब भी ये शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, तब इनके खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर शॉपिंग पे नहीं जाते हैं तो खर्चे इनके नहीं होते हैं, ये कंफर्मेशन है कि शॉपिंग जाने पे खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, अदर का कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, तो इस पे तो कंफर्मेशन के साथ कह रहा है कि अगर शॉपिंग नहीं जा रहे हैं तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि खर्चे ज्यादा नहीं होते, नहीं गलत हो जाएगा, इसको देखिए, नॉट स्पेंड मोर मीन्स आई डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग, ये सही है, ठीक है, अगर ये खर्चे इनके क्या हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, उसमें से एक चीज तो कंफर्म है कि ये शॉपिंग पे नहीं गया, ठीक है, ये चीज कंफर्म है, ठीक, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि स्टेटमेंट क्या है कि इफ आई ड्राइव अ कार देन इट इज बीएमडब्ल्यू और स्कोडा, अगर ये कार चला रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से चलाएंगे, आई एम ड्राइविंग अ कार मीन्स दैट इज बीएमडब्ल्यू और स्कोडा, ये ठीक है, अगर चला रहे हैं तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, कार इज नाइदर बी एमडब्ल्यू नॉर स्कोडा हिंस आई डू नॉट ड्राइव अ कार, ये भी ठीक है, तो अगर कार ये नहीं है इसका मतलब ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट आई ड्राइव अ कार बट इट इज नॉट स्कोडा मीन्स इट इज बी एमडब्ल्यू, यही दो है, अगर स्कोडा नहीं है तो बी एमडब्ल्यू है, ऑल द अबव, सिंपल था। तो 2021 का पेपर आपने देखा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सिंपल थे, 2 से 3 क्वेश्चन में भी थोड़े लेंथी हो सकते हैं, 25 आपने देखा, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 24 भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग में सभी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, स्टार्टिंग का आप 2-3 चेक करिए आ जाएगा, ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, 2 मिनट लग सकता था, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐसी चीज पूछा था जो डायरेक्ट स्टेटमेंट में ही दिया गया था, तो पूरा आपको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, पूरा आपके ये पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और भी आप कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट के 3 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक
22 में भी नहीं था, 2020 में भी नहीं था, एक ये 21 में ही जो है तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। प्री स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन, सीरीज के दो से तीन क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के दो से तीन क्वेश्चन है, ठीक है, और रैंकिंग से एक से दो क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन था, ठीक है, मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है, चार पांच तो स्टेटमेंट वाले हैं, एंड मेन नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप इसमें रिलेशन देखिए और यहीं पे फिर आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या क्या करिए कि अगर आपको वैल्यू मालूम है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एफ का नंबर क्या होगा 6, जे का क्या होगा 10, यू का क्या नंबर है 21, एल का क्या होगा 12, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, ठीक है, यहाँ पे +5, ठीक है, यहाँ पे -4, यहाँ पे +5, ठीक है, वही रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है ना, यहीं पे लिख देते हैं, एल की वैल्यू क्या होगी 12, एच की क्या होगी 8, आर की 18, एक्स की क्या होगी 24, ठीक है, इसमें से -4 करिए तो क्या होगा 8 होगा, 8 की वैल्यू क्या होगी एच, ठीक है, एच की वैल्यू 8 है, +5 करना है ना इसमें 13, 13 की वैल्यू क्या होगी एम, ठीक है, आर 18, और इसमें क्या करना है -4 करना है, तो क्या होगा एन, जरा देखिए एच एम एन कहीं है क्या पहले ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है इसमें, तो देखिए इसमें दो आंसर हो सकता है, एक तो पपाया, क्योंकि ये जो है ये फ्रूट है आपका, और अदर थ्री क्या है वेजिटेबल है, एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कैबेज जो है इसमें कोई सीड नहीं है, ठीक है, और अदर जो है सब में सीड होते हैं, तो या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, तो इसमें सी या डी कुछ भी हो सकता है, अब एनटीए ने जो आंसर अपना दिया हो इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन आपको इस पे टिक करना है राइट आंसर। देखिए ब्रेसलेट को बांधने के लिए जो है ये क्लैप्स का यूज होगा, ठीक है, उसी तरीके से बेल्ट को टाइट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, बकल की जरूरत होगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 और 12, ठीक है, 9 का डिफरेंस है, 12 और 27, 15 का डिफरेंस है, 48 और 27, 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन यही लिख दे रहे, ठीक है, 75 और 48 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 27, ठीक है, और 100 और 75, 25 और 8 कितना होगा, 33 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए फिर एक बार और डिफरेंस निकालते हैं इसको, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6, 6, 6, 6, तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होगा, 6 का होगा, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 39 होनी चाहिए, ठीक है, देन क्या करिए आप 108 प्लस 39 कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 147, सिंपल है, उसी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि ना सर्टेन कोड, ठीक है, इसका कोड जो है ये है, ठीक है, इसको देखिए या तो कहिए कि हम साइड में वैल्यू लिख के करें या डायरेक्ट करते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या होती है 17, इसका मतलब -1 कर, यहाँ पे -1 कर रहे हैं तो ये आ रहा है, U की वैल्यू 21 और ये T 20, इसका मतलब यहाँ पे -1, ठीक है, S की वैल्यू 19 और T 20, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, T क्या है 20 और ये U, इसका मतलब यहाँ पे भी +1 हो रहा है, I और I क्या है सेम है, ठीक है, -1 -1 +1 +1 और I, ठीक है, और सी फिर डी, इसका मतलब +1 ए और बी, +1 T 20 S 19, इसका मतलब -1, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पूरा आ ही जाएगा। अब देखिए, अब ये स्टेटिक्स लिखा हुआ है, इसका कोड क्या होगा, तो देखिए एस की वैल्यू क्या होगी 19 होगी, अब एक कम करना है तो 18 की वैल्यू क्या होगी आर होगी, ठीक है, यहाँ पे भी -1 करना है तो T 20, एस क्या होगा 19, हर जगह आर एस लिखा हुआ है, अब देखिए क्या करना है +1, ए के बाद क्या होगा बी, फिर +1, तो टी के बाद क्या होगा 20 है ना, यू आर एस बी यू, देखिए अभी मैच कर रहा है, और भी देखना होगा, आई और आई सेम था, उसके बाद क्या था ये सी था ना, सी के बाद डी था तो +1 था, ठीक है, तो एस के बाद क्या होगा
S19 देन 20 होगा, तो इसके बाद जो है T होना चाहिए, RSBUIT, ठीक है, RSBU कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ओरल देख सकते हैं कि यहाँ -1 है फिर -1 है, ठीक है, और वैसे भी सीमेट में 3 घंटे का पेपर होता है, तो आराम से आप लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि अ मैन वियर ग्लव ऑफ टू कलर रेड एंड ग्रीन, ठीक है, ही हैज ऑल टुगेदर 30 रेड ग्लव्स एंड 10 ग्रीन, सपोजिंग ही हैज टू टेक आउट ग्लव्स इन अ डार्क, हाउ मेनी मस्ट ही टेक आउट टू श्योर दैट ही हैज अ मैचिंग पेयर, ठीक है, कितनी बार में वो निकाले कि एकदम कंफर्म उसको मैचिंग पेयर मिल गया। तो आप ये बताइए, पहली बार जब निकालेगा मान लेते हैं कि रेड निकाल रहा है, ठीक है, दूसरी बार जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, कि पहली बार में रेड आ जाए दूसरी बार में भी रेड आ जाए, अब तो 2 बार में ही मैचिंग पेयर मिल गया, या पहली बार में ग्रीन हो गया दूसरी बार में भी ग्रीन हो गया, तब भी जो है 2 बार में आपका जो है बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल गया। लेकिन वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, कि पहले में रेड आया दूसरे में ग्रीन आ गया, तो आप ये बताइए कि तीसरे में या तो रेड आएगा, ठीक है, रेड आया तब भी हमारा मैचिंग काम हो गया, या रेड आया ग्रीन आया तीसरे में भी ग्रीन आया तब भी हमें मैचिंग पेयर मिल गया, या सपोज कीजिए कि पहले में ग्रीन आया दूसरे में रेड आया तीसरे में रेड आए या तीसरे में ग्रीन आए, ठीक है, मैचिंग पेयर मिल ही जाएगा हमें, तो थर्ड टाइम से, ठीक है, आपको क्या होगा, मैचिंग पेयर मिल जाएगा, सिंपल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आप एक काम किया करिए, आप बस देखा करिए कि रियल में क्या होता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, शुड ऑल द फैक्ट्री इन द सिटी बी शिफ्टेड टू, ठीक है, आउटसाइड फॉर अवे फ्रॉम मेन सिटी, ठीक है, फैक्ट्री को जो है क्या शहर से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, यस दिस इज द एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए फैक्ट्रियां कहाँ लगती हैं, शहर के बाहर ही लगती हैं, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जैसा होता है वही आपका आर्गुमेंट सही होगा, तो यस पहला आंसर सही है, ठीक है। दूसरा, नो सच अ स्टेप विल लीड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री एंड देयर फैमिली एज वेल, ये नहीं सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जहां पे भी फैक्ट्री साइड में कहीं पे भी लगती है तो उसके आसपास जो है कॉलोनी भी बन जाती है, ठीक है, जिससे वो अपने फैमिली के साथ उस कॉलोनी में रह सकते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए NTPC के जहाँ पे भी प्लांट है उससे कुछ दूर पे कॉलोनी बनी हुई है स्पेशली NTPC एम्प्लॉय के लिए, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री में होता है, तो ये ठीक है आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं, ठीक है, तो जो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए जो स्ट्रांग है, ठीक है, उसी को आप पिक करिए, ठीक है, अब इनकन्वीनियंस हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है तो ये तो कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इन दोनों के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें देखना है इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों जो है इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, तो आप देखिए जरा, डर्टी और फिल्टी, ठीक है, ये भी सेम है, डिसऑर्डर और अनफेथफुल, ठीक है, ये जो है डिफरेंट है, ये भी क्या है इनडिफरेंट है, प्रोमोटेड एक्सीलेंस ये भी इनडिफरेंट है, डर्टी फिल्टी इज द राइट आंसर, ठीक है, सिनोनिम्स है एक तरह का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉग का क्वेश्चन है, लिखा है कि ऑल हट्स आर बंगलो, ठीक है, सारे हट जो है ये बंगलो है, ठीक है, और सारे बंगलो जो है ये क्या है, चर्च, चर्च है, ये चर्च हो गया आपका, ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या कहा है कि सम चर्च आर हर्ट्स, ठीक है, देखिए सम चर्च जो है ये हर्ट्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम चर्चेज आर मेंशन, ठीक है, तो देखिए इसके बारे में तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए मिसिंग लेटर है इसमें, आप देखिए क्या है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, इसी पैटर्न को अगर फिल किया जाए तो ये है तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे ए फिल कर दिया, ए बी आना चाहिए तो यहाँ पे ए बी कर दिया, ठीक है, ए बी, अगर ऑप्शन देखिए क्या हो रहा है, ए बी, ए और बी, ठीक है, फिर बी ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर, सिंपल है, तो ये मैच कर दिया एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, जो होता है वही आंसर होगा। शुड रिलीजन बी टॉट इन स्कूल, क्या ये पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है, यस टीचिंग रिलीजन हेल्प टू इंक्रीज मोरल वैल्यू अमॉन्ग चिल्ड्रेन, ये सही होगा। नो आवर्स इज अ सेकुलर स्टेट, देखिए सेकुलर स्टेट तो है उसके बाद भी ये पढ़ाया जाता है, मतलब ये गलत होगा,
नेक्स्ट फिर देखिए कहा है कि 21st सेंचुरी में जो है ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव इन विच द थर्ड स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड बाई फर्स्ट टू स्टेटमेंट। ठीक है, पहला लिखा है कि ऑल बसेज आर बॉक्सेस। ठीक है, तो ये देखिए सारे बसेस जो है ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि ऑल हैंड्स आर बसेस। तो चलिए ऑल हैंड्स आर बसेस कर लिया। लिखा है कि सो ऑल बॉक्सेज आर हैंड, सारे बॉक्स जो हैं कैसे हो सकते हैं, पहला गलत। दूसरा ऑल वुल्स आर वाइल्ड, ठीक है सारे वुल्स जो हैं ठीक है ये वाइल्ड है। ठीक है, ऑल टाइगर आर वाइल्ड, चलिए सारे टाइगर जो है ये वाइल्ड हो गए। सो ऑल टाइगर ऑल वॉल्व्स, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, ऑल पी क्यू आर कैन रन, ये देखिए सारे पी क्यू आर जो है ठीक है ये दौड़ सकते हैं, तो ये रन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ए बी सी आर पी क्यू आर, सारे ए बी सी जो है ना ये पी क्यू आर है, देखिए सारे ए बी सी पी क्यू आर है। सो ऑल ए बी सी कैन रन, हाँ सारे पी क्यू आर दौड़ सकते हैं और सारे ए बी सी पी क्यू आर है, तो वो सही है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पूछ कर दिया। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि मिस्टर रवि रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ बना देते हैं, 3 बच्चे हैं इनके। ठीक अविनाश, ठीक है, एंड अविनाश मैरिड माधुरी द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो है ट्रेंगल जो है ये मेल को डिनोट करेगा और सर्कल जो है ये फीमेल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये मिस्टर एंड मिसेज चौधरी हो गए। ठीक है, अब देखिए इनके जो है कितने बच्चे हैं अभी देख लेते हैं, इनकी शादी किससे हुई है, माधुरी से हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना। द चौधरी मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल। देखिए यहाँ पटेल जी भी हैं, ठीक है मिस्टर एंड मिसेस दोनों में। ठीक है, चलिए एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम अरुण एंड श्रद्धा। ठीक है, अभी देखते हैं, द चौधरी हैव 2 मोर चिल्ड्रन रतन एंड वर्षा। ठीक है, देखिए अब इनके जो है 2 बच्चे और हैं, एक है रतन और एक है वर्षा। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है ये विकसा से बड़े हैं और इन्हीं की शादी जो है हुई है, लिखा है ना यंगेस्ट डॉटर की शादी किससे हुई है, एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल। ठीक है, अब देखिए देखिए वर्षा की शादी किससे हुई होगी, अरुण से हुई होगी। ठीक है, 2 बच्चे हैं अरुण और श्रद्धा, तो ये अरुण श्रद्धा। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या कहा है कि समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ अविनाश। तो ये देखिए ये समीर और ये अजय हो गया, एंड रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण। ठीक है, रोहिणी जो है ये डॉटर हो गई अरुण की। ठीक है, अरुण और वर्षा दोनों की। चलिए ये पूरा बन चुका है, अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ रोहिणी। रोहिणी का सरनेम क्या होगा, पटेल होगा, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज समीर रिलेटेड टू माधुरी फादर। देखिए समीर और माधुरी फादर क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द सरनेम ऑफ समीर। तो समीर का सरनेम क्या हो जाएगा, ठीक है अविनाश का लड़का है ना, तो रेड्डी। ठीक है, रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज मिसेज चौधरी रिलेटेड टू अविनाश। ठीक है, अविनाश से ये जो है इसे चौधरी कैसे रिलेशन है इनका, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया कि स्टैंडिंग नियर अ बस स्टॉप आयुष टोल्ड स्मिता दैट कोटी वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर से अधिक है लेकिन 15 से कम है, तो 11, 12, 13 या 14 होगा। स्मिता नो दैट इट वॉज मोर देन 12 किलोमीटर
बट लेस देन 14 किलोमीटर फ्रॉम देयर। अब ये कह रही है, इनको मालूम है कि 12 से अधिक है लेकिन 14 से कम है, इसका मतलब 13 है। और दिया है कि बोथ ऑफ देम वेयर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिस्टेंस, दोनों सही है, दोनों में मैच क्या कर रहा है, 13 एंड 13 विल बी द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, शर्ट कॉलर और पॉकेट। तो ये देखिए, ये शर्ट हो जाएगा, शर्ट में जो है कॉलर हो जाएगा और ये पॉकेट हो जाएगा, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये शर्ट हो जाएगा, कॉलर तो ठीक है, आप जैकेट का भी कह सकते हैं, टी शर्ट का भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉकेट जरूरी नहीं है कि शर्ट में ही हो, टी शर्ट में भी हो सकता है, तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, नहीं तो फिर आप सी और बी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो एनटीए का आंसर जो है आई थिंक बी ही था, ठीक है, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर इसमें देखना है, यहाँ सारी क्लोथ सिल्क सिल्क वॉर्म, तो देखिए सिल्क वॉर्म से जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड देन इससे सिल्क से क्या होगा, ये यार्न में कन्वर्ट होगा, थ्रेड बनेगा, ठीक है, थ्रेड से फिर ये क्लोथ बनेगा, एंड देन क्लोथ से साड़ी बनेगी, ठीक है, तो बीडीए है कहीं, बीडीए, ठीक है, ये सी, ठीक है, सॉरी सी होगा, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, देखिए सरिता वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, ठीक है, तो ये देखिए ये 15 किलोमीटर वेस्ट हो गया, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, ये देखिए लेफ्ट हो गया कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है, सी देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, देखिए ये ईस्ट जो है ये 25 किलोमीटर ये हो गया, एंड देन फाइनली टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर, ये देखिए ये लेफ्ट जो है ये 20 किलोमीटर हो गया। अब क्या पूछा गया है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम हर हाउस, ठीक है, ये अपने हाउस से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से 15 है और ये पूरा 25 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग अल्फाबेट रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 14, देखिए राइट ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द राइट इन, आपको इधर से देखिए 14 देखना, और जो भी आएगा फिर वहां से आपको 8th राइट देखना, इसका मतलब जो है इसका डिफरेंस कितना होगा, 6, तो हम इधर से राइट से कितना देखें, 6 पोजीशन देखें, 6 पोजीशन क्या है, 2 3 4 5 6, ये विल बी द 6th पोजीशन, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आर स्टैंड फॉर एडिशन, टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है, देखिए टी का क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन ना, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो इंटू टू हो गया, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है, तो ये 4 हो गया, यू का क्या मतलब होता है, डिवीजन ना, ठीक है, तो ये डिवीजन हो गया, और ये एक्स का क्या मतलब होता है, लेस देन, ये 8 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 + 4 डिवाइडेड बाई 6 < 8, ठीक है, तो ये कितना होगा, 32 + 4/6, आप 2/3 कह सकते हैं, < 8, ये क्या < 8 है क्या, बिल्कुल नहीं, यही 32 हो गया, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, आर का क्या मतलब है, प्लस, ठीक है, और फिर एस का क्या मतलब है, माइनस, ठीक है, ये थोड़ा सा पास होना चाहिए था, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है, एंड देन वी का क्या मतलब है, इक्वल टू, ठीक है, और फिर आर का क्या मतलब है, एडिशन, तो इधर कितना हो गया, 14 16 2 18 - 4, ठीक, और इधर भी कितना हो जाएगा, 14, तो बी विल बी द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पूछा क्या होगा, तो इसमें देखिए टोटल जो है ये 6 डायग्राम है, जरा इनके और इनके बीच में रिलेशन जो है स्टडी करिए, देखिए ये जो पहला वाला है केवल इसी का पोजिशन रिवर्स है, बाकी का देखिए सब रिलेशन सेम है, इसका मतलब एक चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, अब इसमें और इसमें देखिए आप, ठीक है, देखिए पहला ऐसे ही है और आखिरी वाला ऐसे ही है, ठीक है, अब देखिए ये दोनों इस तरीके से था ना, पोजीशन रिवर्स हो गया, ये दोनों इधर इनसाइड था, ये आउटसाइड हो गया, इसका मतलब टोटल 6 में से पोजीशन कितनी चेंज हुई, 4 हुई, ठीक है, पहले एक हुई फिर 4 हुई, अब इनके और इनके में देखते हैं, ठीक है,
देखिए अब इनके और इनके में देखिए, यहाँ एक चेंज था, यहाँ फोर था। अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये तीनों इसी तरीके से हैं, और ये दोनों देखिए इसी तरीके से हैं, या इनसाइड है या आउटसाइड हो गया, 2-1 हुआ। ठीक, तो एक चेंज हो रहा है, फोर चेंज हो रहा है, फिर एक चेंज हो रहा है, फिर इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी फोर चेंज होगा। तो आपकी वाले में कितना चेंज होना चाहिए? केवल 1 चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा, ये तो किसी एंगल से आंसर नहीं होगा। इसमें जरा देखिए किसमें केवल एक चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीन जो है इनसाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमारे तीन क्या है, इनसाइड है। ठीक है, और ये देखिए दो किधर है, आउटसाइड है, ये दोनों इनसाइड दे दिया, तो बी तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, ये तीन हमारे इनसाइड थे, तीनों इनसाइड थे, और ये भी हमारा क्या ऐसे ही इनसाइड ही है। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, ये देखिए केवल यही एक चेंजेस है इसमें। ठीक है, एक ही चेंज चाहिए था, देन डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, इसमें देखिए क्या है कि ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, इसी को देखिए इसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसकी क्या होगी, शेडिंग हो जाएगी, देन क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर 9, 11, 13, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 10, 12, 14, तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 14, 16, 18, 11, 13 और 15, 18 और 15, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आप एक बार देखिए, ये मैक्सिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, ये 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल था, इसमें अगर देखा जाए तो सभी सिंपल थे, 20 भी ठीक था, 19 भी ठीक था, 18 भी ठीक था, डायरेक्शन का भी क्वेश्चन जो है सिंपल था। ठीक है, ब्लड रिलेशन एक बार आप बनाएंगे, 4 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन ठीक था, 2 क्वेश्चन सिलॉक के थे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एनोलॉजी के 2 से 3 2 क्वेश्चन थे एनोलॉजी के। ठीक है, 2020 का पेपर जो है सबसे सिंपल था, इन कंपेरिजन टू 2021 एंड 2022। देखिए आज की क्लास में हम लोग सीमैट 2019 रीजनिंग स्लॉट 1 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए चाइना को छोड़कर सभी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, चाइना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। देखिए सभी में स्टार्टिंग पी है, तो जब सभी में स्टार्टिंग पी है तो यहाँ पे भी पी कर देते हैं। नेक्स्ट है AEIO, तो यहाँ पे क्या होगा, यू, कहीं ऑप्शन में है तो सी जो है राइट हो जाएगा, PU। यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे टी है फिर एन है, देखिए टी है फिर 2 बार एन है, तो यहाँ पे भी टी कितनी बार होगा, 2 बार होगा, लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, टी, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, एंड पूछा गया है कि हमें मालूम करना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी, एंड इसके लिए जो है हमें दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी या किसी एक की नीड होगी, या दोनों से ही नहीं निकल पाएगा, देखते हैं। दिया गया है कि 10 kg ऑफ मैंगो एंड 2 डजन ऑफ ऑरेंज कॉस्ट ₹252। ठीक है, देखिए 10 kg ऑफ मैंगो एंड 2 डजन ऑफ ऑरेंज, 2 डजन ऑफ ऑरेंज, इसकी प्राइस कितनी है, 252। तो यहाँ से हम मैंगो की प्राइस तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि 2 kg ऑफ मैंगो, 2 kg ऑफ मैंगो कुड बी बॉट इन एक्सचेंज फॉर 1 डजन ऑरेंज, तो ये 2 kg मैंगो कितने में मिल जाएगा। ठीक है, 1 डजन ऑरेंज की जो प्राइस होगी उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो 1 डजन ऑरेंज। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट से हमें मैंगो की पर केजी जो प्राइस है ये मालूम चल जाएगी। कैसे, ये 1 डजन ऑरेंज इक्वल टू कितना है, 2 kg ऑफ मैंगो, केजी को हमने अभी साइड कर दिया है। ठीक है, जो यूनिट है ना इसको रिमूव कर देते हैं, केजी और डजन। तो आप देखिए यहाँ पे 1 ऑरेंज की वैल्यू क्या है, ठीक है, 2 m,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो 2 ऑरेंज इट मीन्स 2 डजन ऑफ ऑरेंज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, दैट इज 4 kg ऑफ मैंगो। तो 10 kg ऑफ मैंगो प्लस 4 kg ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 252। यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 18 m इज इक्वल टू 252, ठीक है ना, सॉरी 14, ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 18। तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से मालूम चल जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी आंसर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, पूरा सॉल्व ही नहीं करना था आपको। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 25943। ये देखिए प्लस का क्या मतलब है, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई का क्या मतलब है, ठीक है, इट मीन्स प्लस, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। माइनस का क्या मतलब है, इनटू, एंड इनटू का क्या मतलब है, माइनस, तो सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 3, फिर ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 3, 40 माइनस 3, दैट इज 37। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 5, डबल से एक अधिक है ना, तो ये भी क्या होगा, 8 इंटू 2 16, एक अधिक 17, सिंपल, ठीक है ना, डबल से वैल्यू क्या है, एक अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए आप ये लास्ट 2 लेटर देखिए, ये यू आर है ना, इसको क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया, इसको आर यू कर दिया गया, ठीक है ना, और सब कुछ जो है सेम सेम है, JODHP, ठीक, यहाँ पे भी देखिए सेम यू आर है, इसको रिवर्स कर दिया गया है, दैट इज आर यू, एंड जो कुछ है सेम, ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे भी सेम कैंडिडेट है, ये जो TE है ये क्या हो जाएगा, ET, देखिए कहीं ET ऑप्शन में है, स्टार्टिंग में ही ऑप्शन सी, पूरा चेक ही नहीं करना आपको, देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, फिर ये कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, CANDID ए भी आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सिंपल ही हैं इसमें, ठीक है, नियर राउंड केवल 1 से 2 क्वेश्चन आपको अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, मेल को जो है प्लस से डिनोट कर रहे हैं, फीमेल को माइनस से, ठीक, ए इज अ डॉटर ऑफ बी ना, तो एक जनरेशन गैप है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज द डॉटर ऑफ बी। सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सेम जनरेशन है ना, तो यहाँ पे सी एंड फीमेल, दैट इज माइनस। बी इज द डॉटर ऑफ बी, फिर जनरेशन गैप है, तो ऐसे कर लेते हैं, बी इज द डॉटर ऑफ डी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्रिज साइक्लोन, तो ड्रिजल क्या होगा, तो देखिए ये ब्रिज जो है ये लाइट होता है, साइक्लोन जो है ये हैवी है, इसी तरीके से ये जो ड्रिजल है ये स्मॉल रेन है, इसी तरीके से ये डाउनपोर जो है ये क्या है, हैवी रेन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि ही इज गुड की कोडिंग है ये, फिर सी इज गुड का कोडिंग ये दिया गया है, ही का कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप हमें ये बताइए, ही इज गुड सी इज गुड दोनों में इज गुड कॉमन है ना, और क्या कॉमन है इधर, एफ ए कैंसिल करिए और एस ओ कैंसिल करिए, ठीक, तो ही की कोडिंग क्या होगी यहाँ से, दैट इज LO, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, स्टेम फ्लावर लीव फ्रेम, तो इसको छोड़ के सभी प्लांट के जो है ये पार्ट है, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, स्पेयर का वैल्यू है, ये कोड है, क्लियर का कोड है, टूल का कोड है, पॉइंट आउट फिफ्थ लेटर, पॉइंट आउट द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द वर्ड दिस, ठीक है, फिफ्थ डिजिट ना, 1 2 3 4 5, पी की कोडिंग क्या है, देखिए यहाँ से पी की कोड देखिए क्या है, 0, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, और भी कहीं है पी,
ठीक है, एक बार और दूसरे का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ई की कोडिंग क्या है, लास्ट में सेवन है ना, ई का कोड सेवन। एक बार यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए, ई का कोड क्या है, सेवन। तो ये रिस्पेक्टिव कोड दिया गया है। तो ये जो फिफ्थ डिजिट है पी, ठीक है ना, ये जो फिफ्थ लेटर है पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कोड क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि व्हेन अ फोटो ऑफ मैन वाज शोड टू अभिजीत ही रिएक्टेड एज फॉलो, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। ठीक है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। ठीक है, देयर फोर द फोटो बिलोंग टू, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ये लड़का है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन, आर्टिस्ट पेंटिंग, अटॉर्नी लॉ। नेक्स्ट देखिए, आई जे के टू, आई जे टू के टू। तो देखिए यहाँ पे आई जे के सभी वन वन है ना, फिर यहाँ पे के जो है ये टू हो गया, जे यहाँ पे टू हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आई टू हो जाएगा और जे टू तो रहेगा, के टू तो रहेगा ही, ठीक है ना। सभी ये टू हो गए, फिर अब देखिए क्या हो गया, के थ्री हो गया, जे टू हो गया, फिर आई टू हो गया। अगर एक और सीरीज होती यहाँ पे तो ये के थ्री तो रहता ही रहता, अब ये फिर क्या होता, जे थ्री हो जाता और ये आई टू रहता, फिर क्या होता, के थ्री तो रहता ही, ये जे थ्री भी रहता, ये आई थ्री हो जाता। तो ये सही है, आई टू जे टू एंड के टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉक का क्वेश्चन है ये, चूज द सेट इन विच द थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट टू। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, ए बी ई है ना, नो फादर इज टीचर, नो फादर इज टीचर। फिर बी क्या है, सम टीचर लाइक टू वर्क, सम टीचर लाइक टू वर्क। और ई क्या है, सम टीचर आर मैन, सम टीचर आर मैन। तो नहीं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये अदर टू को फॉलो तो कर नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, सीईडी, ये बना लिया। ई क्या है, सम टीचर आर मैन, सीईडी ना, सम टीचर आर मैन, ठीक है। और डी क्या है, कंप्यूटर टीचर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सी वाला क्या था, हाँ इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड है ये अदर टू को तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी को चेक करते हैं, क्या है, एफ, सम टीचर आर मैन, एफ ई बी। एफ क्या है, ऑल मैन लाइक टू वर्क, ऑल मैन लाइक टू वर्क, ठीक है ना। फिर इसमें ई क्या है, सम टीचर आर मैन, सम टीचर आर मैन, ठीक है। अब बी को चेक करिए, सम टीचर लाइक टू वर्क, सम टीचर लाइक टू वर्क। देखिए टीचर जो है ये वर्क के जो है अंडर में आ गया है, तो सही है। तीसरा जो है ये अदर टू को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, दिया गया कि ऑल डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। देखिए कभी भी कोई प्रोवर्ब हो वो तो सही होगा। अब कंक्लूजन इसका क्या दिया गया है, कि द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ समथिंग इज नॉट द रिलायबल इंडिकेशन ऑफ इट्स ट्रू नेचर। सही है, जो भी प्रोवर्ब की मीनिंग है जो है उसको टिक कर दीजिए, तो पहला सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ समथिंग इज रिलायबल इंडिकेशन ऑफ इट्स ट्रू नेचर। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेचर ऑफ समथिंग शुड बी एग्जामिन बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट, वाली इंटरनल नेचर कैन बी रिलायबल एंड गिव्स द ट्रूथ। नहीं, केवल पहला सही है, ठीक है ना। जो भी प्रोवर्ब है, जो भी उसकी मीनिंग है वो सही होगा। 17th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को टिक करते हैं। शुड हायर एजुकेशन बी प्राइवेटाइज, आर्गूमेंट क्या है, यस दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, नो इट विल फर्दर एड टू एजुकेशन बर्डन ऑन पब्लिक। देखिए आर्गूमेंट में कभी भी मल्ली हो तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, और ये तो सही है, नो इट विल फर्दर ऐड टू द एजुकेशन बर्डन ऑन पब्लिक। तो आर्गूमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे देखिए 8 का डबल करिए, दैट इज 16, 16 प्लस 4 20, 3 का डबल करिए
नाइन नाइन प्लस सॉरी 3 × 2 सिक्स, 6 + 9 15, 6 का डबल करिए 12, और ये 6 कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डिस्क्रिप्शन पेयर अबाउट सिक्स सिटी। बी एंड ई आर नॉट ट्रेड सेंटर, ए एंड ई आर नॉट टूरिस्ट प्लेस, डी एंड एफ आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ट्रेड सेंटर है ना, और क्या है, टूरिस्ट प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। बी एंड ई आर नॉट ट्रेड सेंटर, सभी बना लेते हैं, ए है, बी है, डी है, ई है और एफ है। बी और ई जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है, तो बी जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है, और ई जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है। नेक्स्ट, ए और ई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ए और ई ये जो है आपके टूरिस्ट प्लेस नहीं है, डी और एफ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो डी जो है और एफ ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। अब यहाँ पे आइए, दिया गया है कि ए एंड सी आर बोथ ट्रेड सेंटर। देखिए, ए जो है ये ट्रेड सेंटर तो हो जाएगा, सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी इसको होल्ड करिए। सी एंड डी आर नॉट टूरिस्ट प्लेस, डी जो है ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो देखिए, डी के बारे में सिर्फ ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, अदर ये हो सकता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डी जो है ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है केवल, अदर दो तो है ही है। बी एंड एफ आर मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, तो एफ जो है मैन्युफैक्चरिंग हब तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी ठीक है, डी एंड एफ आर बोथ ट्रेड सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, तो एफ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही नहीं, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, तो फिर सही क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ये जो है ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, अदर दो तो है ही, इट मीन्स ट्रेड सेंटर तो है ही, एंड सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो एज्यूम कर लीजिए कि ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कॉज एंड इफेक्ट। प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू मंथ, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। सही है, देखिए प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइसेस जो है, प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो ये कॉज है और ये क्या है, उसका इफेक्ट है, तो बी जो है ये कॉज है, ए जो है इफेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंक पेन, इंक जो है कहाँ रहेगा, पेन में, तो ब्लड कहाँ पे होगा, वेन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक स्टेज प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजर हैड टू एकोमोडेट 4 गेस्ट, 1, 2, 3, 4 एंड 3 मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, दैट इज O1, O2, O3। द कमिटी डिसाइडेड दैट O3 विल बी द सिटिंग इन सच अ वे दैट इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ हिम। टोटल 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो O3 है ये मिडिल में होगा, ठीक है, तो 3 इधर 3 इधर। नेक्स्ट देखिए, नो गेस्ट शैल बी मेड टू सीट एट द स्ट्रीम एंड, कोई गेस्ट जो है इन पोजीशन पे नहीं होगा। जीवन शैल सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G3, जीवन जो है ये ठीक G3 के लेफ्ट में होगा, ठीक है। जीवन शैल बी सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ O2, ये जो है O2 के ठीक राइट में होगा, तो सही है, यहाँ पे O2 कर देते हैं, यहाँ पे जीवन, यहाँ पे G3। अब देखिए, O2 हो गया, O3 हो गया, कोई भी गेस्ट जो है ये इन पोजीशन पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, O1। अब कौन रह गया, G2 और G4, तो यहाँ पे G2 हो सकता है, यहाँ पे G4 हो सकता है, यहाँ पे G4 हो सकता है, यहाँ पे G2 हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, हु विल बी आस्क्ड टू सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो ऑन द स्टेज, तो लेफ्ट से थर्ड पोजिशन पे कौन है, G3, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग्य इज ट्वाइस एस ओ लेस आरती, ठीक है ना, देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं, भाग्य जो है ट्वाइस है ना, तो आरती को 2 कर देते हैं, तो भाग्य जो है ये 4 हो जाएंगी, बट ट्वाइस यंगर देन कविता,
लेकिन ये कविता से ट्वाइस यंगर है, तो इसका डबल कर दीजिए, कविता की एज जो है सपोज कर लिए 8 हो जाएगी। चंद्रिका इज हाफ द एज ऑफ आरती, चंद्रिका जो है यहाँ से हाफ हो जाएंगे, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, बट इज ट्वाइस ओल्डर देन, अच्छा तो ट्वाइस ओल्डर इट मीन्स इनका हाफ हो जाएगा 30.5। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, आप यहाँ से बना लीजिए, सबसे हाईएस्ट किसका है, के, ठीक है, फिर कौन है, बी, फोर, ठीक है, हो गया बी, इट मीन्स भाग गया, पूरा बनाना होगा तो फिर ये 2A, फिर ये सी, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया गया है कि फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर फेसिंग द सेंटर, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन पर्सन इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर, तो ये जितने भी कॉर्नर पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 पर्सन हो जाएंगे, एंड इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड, तो ये सभी मिड पॉइंट हो गए, टोटल 8 पर्सन हो जाएंगे। अब देखिए इनका अरेंजमेंट क्या है, माधव इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट टू उदया, तो ये माधव की पोजीशन हो गई और ये उदया की पोजीशन हो गई, ठीक है। हु इज राइट ऑफ गरिमा, तो यहाँ पे गरिमा हो गए। रहीम हु इज लेफ्ट ऑफ गरिमा इज डायगोनली अपोजिट टू गोकुल, अब देखिए रहीम का पोजीशन यहाँ पे हो गया और इनके डायगोनल में कौन है, गोकुल, ठीक है। हु इज लेफ्ट ऑफ बाबू, तो ये बाबू जो है यहाँ पे हो गए। पोजीशन ऑफ सुधा इज नॉट द राइट ऑफ माधव, ठीक है ना, तो सुधा की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना, बट इन फ्रंट ऑफ प्रिया, तो प्रिया की पोजीशन यहाँ पे होगी, सिंपल। हुई सिटिंग अपोजिट टू बाबू, तो बाबू के ठीक अपोजिट में कौन है, गरिमा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। शुड स्टूडेंट स्टडी इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग, यस माइंड इज फ्रेश एंड अलर्ट एट दैट टाइम, नो अर्ली राइजर फील स्लीपी थ्रू आउट द डे, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सभी जो है जो सुबह उठते हैं, जो सभी के लिए हो गया ना कि सभी स्लीपी महसूस करते हैं पूरे टाइम, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये सही है। तो जो भी आर्गूमेंट स्ट्रांग हुआ करे उसको टिक करते हैं, तो ऑप्शन 1 जो है, सॉरी आर्गुमेंट 1 जो है स्ट्रांग है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का है, स्टेटमेंट क्या है कि शुड द पोलिटिकल पार्टी बी बैन, आर्गुमेंट क्या है, यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियन, स्ट्रांग आर्गुमेंट होना चाहिए, तो ये कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड आर्गुमेंट क्या दिया हुआ है कि नो इट विल लीड टू एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, देखिए ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है कि अगर आपने उनको बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को तो डेमोक्रेसी क्या होगी, एंड हो जाएगी, तो ये जो है स्ट्रांग आर्गुमेंट है, तो ओनली टू इज स्ट्रांग, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको, पुपिल कॉर्निया रेटिना विजन, तो ये देखिए विजन को छोड़ के ये 3 जो है ये क्या है, आई के पार्ट है, और ये विजन क्या है, आई का फंक्शन है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, देन डी इज द राइट आंसर। थर्ड देखिए ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और देखते हैं इसको, ठीक है, सबकी आप नंबरिंग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहीं पे ऊपर भी लिख सकते थे लेकिन अलग लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलिए सबकी अलग अलग नंबरिंग, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इसकी नंबरिंग 20 है, ये 21 है, ये 23 है और ये 25 है, ठीक है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, देन +2 हो रहा है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, तो +1 +2 एंड +2, ठीक है। चलिए इसकी नंबरिंग क्या होगी, 14 15 17 19, +1 +2 +2, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी नंबरिंग क्या होगी, 7 8 10 और 13, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 +2 +3, सब जगह आखिरी में +2 है, सीक्वेंस क्या है, +1 +2 +2, ठीक
ठीक है, इन सभी तीन में ये हो रहा है, और आखिरी वाले में क्या हो जा रहा है, +1 +2 एंड +3, तो ये जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग एट अंकित, श्रुति सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। देखिए ये श्रुति हो गई, ठीक है, और ये अंकित हो गए। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है, तो ये इसके फादर हो गए और इनके फादर ये हो गए, ठीक है। अब श्रुति का क्या रिलेशन है, तो ये देखिए क्या है, भाई बहन है, ठीक। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू श्रुति, तो अंकित कैसे रिलेटेड है, भाई है, ब्रदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, और इसमें एक चीज मिसिंग है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि दीपा की एज क्या है, ठीक है, ऑन अक्टूबर 2018, ठीक है। तो अब इसके लिए किसकी डाटा की जरूरत होगी, तो देखिए पहला दिया गया है कि दीपा इज 6 ईयर ओल्डर देन सिस्टर प्रभा, तो दीपा की एज कैसे मालूम चलेगी, 6 प्लस, ठीक है, उनकी सिस्टर की एज मालूम होनी चाहिए, तो पहला तो इनसफिसियंट है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर की एज नहीं मालूम है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रभा इज 29 ईयर यंगर देन हर ब्रदर, अब देखिए जो इनकी सिस्टर हैं वो 29 ईयर क्या है, यंगर है, तो मदर से 29 ईयर हम क्या करें, माइनस करें, तो फिर उनकी सिस्टर की एज मालूम चलेगी, तो ये भी क्या है, इनसफिशियंट है। अब मदर की भी एज मालूम होनी चाहिए, और यहाँ पे एज मदर की दी हुई है, ठीक है, तो ये तीनों ही जो है डाटा की नीड होगी, ठीक है, दीपा की एज फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑल थ्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिपल की कोडिंग जो है ये दी गई हुई है, और लाइफ की कोडिंग ये दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है रिपल की कोडिंग क्या है, 6133 82, ठीक है, और लाइफ की कोडिंग क्या है, 8192, ठीक है। तो देखिए ई की कोडिंग क्या है, 2, यहाँ पे भी ई की कोडिंग क्या है, 2, ठीक है, आई की कोडिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आई की कोडिंग क्या है, 1, यहीं से आपके आंसर निकलेंगे। तो पिलर की कोडिंग क्या होगी, P3 होगा, आई का क्या होगा, 1 होगा, एल का क्या होगा, 88 होगा, ठीक है, 3188 है कहीं, 3188, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चूज द नेसेसरी फॉर द गिवन वर्ड स्विमिंग, देखिए स्विमिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, पानी होना चाहिए, ठीक है, लाइफ जैकेट नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, मेन क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 123 123 मीन्स ही इज टैलेंटेड, ठीक है, एंड 3 4 5 6 मीन्स टैलेंटेड पीपुल कैन अर्न मोर, ठीक है, और इसका भी मतलब दिया गया है, अर्न का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोडिंग देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए जरा सेम क्या है, 3 और 3 इसमें सेम है, और टैलेंटेड टैलेंटेड सेम है, तो 3 का फिक्स हो गया कि 3 का क्या मतलब है, टैलेंटेड, ठीक है। चलिए तो आप जरा इसमें और इसमें देखिए, 4 5 6 और 4 5 6 इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैचिंग है, पीपुल अर्न मोर टू इंजॉय, ठीक है, और इसमें क्या है, पीपुल अर्न टू पीपुल अर्न मोर, ठीक। अब आप देखिए इसमें से कोई कुछ भी हो सकता है, तो एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नंबर 3 पे 3 लिखा हुआ है, और टैलेंटेड भी नंबर 3 पोजीशन पे है, यहाँ 3 फर्स्ट में है, टैलेंटेड भी फर्स्ट में है, इसका मतलब पोजीशन वाइज जो है हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 4 5 6 है, अब आप देखिए 5, ठीक है, यहाँ पे 3rd नंबर हुआ ना, क्या है ये, अन, और यहाँ पे 5 2nd नंबर पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, अन, तो पोजीशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये अन की कोडिंग क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। चलिए सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। दिया गया कि एनी स्टूडेंट हु फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन डिसक्वालीफाई हिमसेल्फ फ्रॉम एग्जामिनेशन, ठीक है, दो जो इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन शैल बी डिबार्ड, एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, ठीक है, केवल पहला वाला सही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में जो है एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके कुछ कमेंट नहीं है, ठीक है, कि एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये डिबार्ड वाला जो है ये दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, कि उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जापान की कोडिंग दी गई है, ठीक है, वो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया, 3 हो गया, 19 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, फिर प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, ठीक है, सिंपल। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो भी ऑप्शन है सबने स्टार्टिंग में डी है, तो हम एक काम करते हैं कि केवल आखिरी वाला तो चेंज है ना, तो यहीं से कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, तो इसमें क्या करें, प्लस 6 कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या है, 5, 5 प्लस 6 11, 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, तो के है कहीं आखिरी में, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, के आखिरी में है, सिंपल है, हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हेन के बच्चे को क्या कहते हैं, चिक, तो फ्रॉग के बच्चे को क्या कहेंगे, टैडपोल, सिंपल था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, इनके बीच में डिफरेंस प्लस 4 है, फिर क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, फिर क्या होगा, प्लस 2 होगा, देन 36, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई फोर सेंटेंसेस, सेलेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस दैट रिलेट लॉजिकली टू द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि आइदर द इम्प्लॉय हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट और दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, इन दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है। ये चार दिए गए हैं, जरा ऑप्शन से चेक करिए, पहला क्या है, 4 और 1, दे आर हॉस्टाइल बाई नेचर, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, ये नहीं होगा बिल्कुल, क्यों, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट में, या उनका नेचर क्या है, हॉस्टाइल है, तो ये दोनों दे रखा है, दोनों में से जबकि कोई एक है और लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड और फर्स्ट देखिए क्या दिया है, दोनों हॉस्टाइल के बारे में दिया है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या दिया गया है कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर इनका मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब इनका हॉस्टाइल नेचर नहीं होगा, ठीक है, तो थर्ड और टू, ठीक है, ये दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अक्षय एंड अजय आर फ्रेंड स्टडिंग इन सेम क्लास, अजय कुड नॉट स्कोर एज मच मार्क्स एज अक्षय, हिंस अजय फादर टू अजय इन टू टास्क, ठीक है। अजय रिप्लाइड दैट देयर आर सो मेनी लाइक मी इन द क्लास, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, अक्षय रैंक 13 इन द क्लास वेयर 33 स्टूडेंट आर स्टडिंग, ठीक है। अक्षय की रैंक जो है टॉप से क्या है, ठीक है, ये 13 पोजिशन है, ठीक है, अक्षय की रैंक है ये, और टोटल 33 स्टूडेंट है, एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिलो अजय रैंक वाइज, ठीक है। अब देखिए अजय के नीचे 5 लड़के हैं, टोटल 33 हैं और इनके नीचे 5 हैं, तो अजय की टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे कितने हैं, 5 है ना, 33 माइनस 5 28, तो अक्षय का जो है टॉप से 13, अजय का 28, इनके बीच में पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, 28 माइनस 13 और फिर -1 भी आप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ये -1 क्यों किया गया, आप ये बताइए कि सपोज कि ये किसी का रैंक थर्ड है और किसी का रैंक फिफ्थ है, ठीक है, अब पूछा गया कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप फिफ्थ माइनस थर्ड तो नहीं करेंगे ना, नहीं तो 2 हो जाएंगे, जैसे सपोज कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये थर्ड रैंक हो गई, ये फिफ्थ रैंक हो गई, इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, केवल एक ही है, ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ से माइनस करना होगा जिससे डबल काउंटिंग ना हो, सिंपल है। चलिए 14 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है आपको, देखिए ये इसमें टोटल 5 है और ये देखिए जो है ये आपका फिर इस तरीके से ये रोटेट कर जा रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट हुआ और एक कम हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए फिर जो है ये फिर क्लॉक वाइज इसका रोटेशन हो गया फिर, ठीक है, और नंबर कम नहीं हुआ, देखिए यहां से एंटी क्लॉक वाइज एक नंबर कम हो गया, फिर ये जो है ये क्लॉक वाइज हो गया, ठीक, फिर देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज हुआ और एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा,
ये 4 है, ये देखिए टोटल 3 हो गया। अभी इसको क्या होना है, क्लॉकवाइज होना है, ठीक है, और नंबर कम नहीं होगा, क्लॉक में नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, 3 वाला ये है ना, 3 कहाँ पे है, ए इज द राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या डिफरेंट है, ये फ्लूट जो है ये माउथ के थ्रू बजाया जाएगा एंड बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है ये हैंड के थ्रू है, ठीक है, तो फ्लूट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दिया गया है ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए डिवाइड पी डिवाइडेड बाई आर मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ बी, सॉरी पी इज द डॉटर ऑफ आर, ठीक है, तो पी जो है ये आर की डॉटर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर प्लस एस मीन्स आर इज द फादर ऑफ एस, तो आर जो है एस के क्या है, फादर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एस प्लस क्यू मीन्स एस इज द फादर ऑफ क्यू, तो एस जो है ये क्यू के क्या होंगे, फादर होंगे, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि क्या सही है, तो क्यू इज द आंट ऑफ पी, नहीं पी इज द आंट ऑफ क्यू, ठीक है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, पी जो है ये क्या है, क्यू की आंट है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, कि वशिष्ठा स्टार्ट वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वशिष्ठा टर्न लेफ्ट, ठीक है, देखिए ठीक है, सन के रिवर्स में ये जा रही है ना, तो मान लेते हैं कि सनराइज का केस है, ठीक है, मॉर्निंग का केस है, तो सन किधर होगा, ईस्ट में होगा, तो ये रिवर्स जा रही है, तो ये वेस्ट साइड गई, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हो रही है, ठीक है, देन राइट हो रही है, ठीक है, एंड देन फिर लेफ्ट हो रही है, ठीक है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक, या एक ये भी हो सकता है कि अगर इन केस रिवर्स जा रही है, ठीक है, ये तो सनराइज का केस हो गया, ठीक है, अब अगर सनसेट का होगा तो क्या होगा, यही जस्ट रिवर्स होगा, तो उस केस में क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, तो साउथ और नॉर्थ जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, दी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा केस भी बना देते हैं, सनसेट में क्या होगा, कि फिर सनसेट किधर होगा, वेस्ट में होगा, तो सपोज कीजिए ये कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है, ठीक, फिर ये लेफ्ट में जाना है ना इनको, फिर देखिए ये लेफ्ट हो गए, फिर कहाँ राइट, फिर देखिए राइट, फिर कहाँ लेफ्ट, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ नॉर्थ, तो आप केवल एक साइड का करिए, एक साइड का बनाइए, और जस्ट क्या होना है, उसका रिवर्स भी होना है, उस साउथ नॉर्थ इज द राइट आंसर, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, बिल्कुल सही है, एंड कॉपर हैज वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया भी जाता है, दोनों सही है। एंड क्या दिया गया है, हाँ दोनों ठीक है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, ये भी गलत है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ये नहीं होगा, ये डी इज द राइट आंसर, दोनों सही भी है और ये एक दूसरे का रीजन भी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया, कि इन द गिवन फिगर इफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल आर ज्वाइंट बाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, देन कितने स्क्वायर इसमें फॉर्म होंगे, ठीक है, तो देखिए जितने भी सेंटर है ना इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो देखिए जब सारे सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो इसमें देखते हैं कि स्क्वायर कितने बनते हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि ये टोटल 6 हो गया और ये वाला कितना हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, और एक इसको ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, ग्रीन कलर ऐसे, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये 6 ऐसे हो गया, ये वाला पार्ट 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, तो टोटल कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे, 8, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कि देयर आर 4 ट्री, लेमन, कोकोनट, मैंगो एंड नीम, ठीक है, ईच एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, सभी कॉर्नर पे हैं, लिखा है कि वेल इज लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड केबिन एट अदर कॉर्नर, ठीक है, एक साइड पे जो है वेल है, तो यहाँ पे वेल हो गया, यहाँ पे केबिन हो गया, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे वेल है और कहाँ पे केबिन है, तो दोनों कंडीशन जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या दिया गया, कि लेमन एंड कोकोनट ट्री आर ऑन आइदर साइड ऑफ द गेट विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ साइड अपोजिट टू द
साइड एक्सट्रीम ऑफ विच वेल एंड केबिन आर लोकेटेड। ठीक है, अब इधर वेल और केबिन है ना, तो इसके जस्ट रिवर्स वाले साइड में यहाँ पे गेट है। ठीक है, यहाँ पे गेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि लेमन और कोकोनट ट्री है ना आइदर साइड, तो या तो लेमन यहाँ हो सकता है या कोकोनट यहाँ हो सकता है, या लेमन और कोकोनट यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए। फिर दिया गया है कि द मैंगो ट्री इज नॉट द कॉर्नर वेयर केबिन इज लोकेटेड। तो मैंगो जो है केबिन के पास नहीं है, तो जहां पे वेल होगा यही मैंगो होगा, तो वेल के पास मैंगो होगा। अगर वेल यहाँ है तो मैंगो यहाँ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मैंगो ट्री इज नॉट लोकेटेड, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंगो ठीक है वेल के पास है, अब क्या रह जा रहा है, नीम बच रहा है, तो नीम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये लेमन और कोकोनट हो गया एक जगह, ये रिवर्स साइड में। ठीक है, वेल के पास मैंगो हो गया, तो केबिन के पास क्या होगा, नीम होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि डायगोनली अपोजिट जो है क्या होगा इसमें। तो मैंगो ट्री एंड वेल, तो ये देखिए मैंगो और वेल ये डायगोनली तो नहीं है, केबिन और नीम भी डायगोनली नहीं है, नीम एंड लेमन। ठीक है, अब देखिए ये नीम है और इसके रिवर्स में क्या है, लेमन, और इन केस अगर नीम यहाँ होगा तो लेमन यहाँ होगा, ये कंडीशन सही है। कोकोनट और लेमन तो ये तो दोनों साथ में है, ठीक है एक ही साइड में है ना, या तो अगर लेमन यहाँ होगा तो कोकोनट यहाँ होगा। ठीक है, डायगोनली तो नहीं होंगे ना, तो डायगोनल सिर्फ क्या रिलेशन बन सकता है, ऑप्शन सी, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये इसका जस्ट वाटर इमेज है, ठीक है जस्ट रिवर्स वाटर इमेज है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये ठीक है दोनों एक साइड है ना, तो ये वाटर इमेज आपका हो जाएगा, एंड ये वन, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो वन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड पी, तो देखिए ये एक्स हो गया, ठीक है ये ब्रदर है किसका, वाई और पी का। ठीक है, जेड इज द मदर ऑफ वाई, तो जेड जो है ये मदर हो गए। ठीक है, एंड क्यू इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है तो क्यू जो है ये फादर ऑफ एक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पूछा गया कि क्या इसमें से डेफिनेटली जो है ट्रू नहीं है। तो वाई इज द ब्रदर ऑफ पी, ये ठीक है, जेड इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो जेड जो है क्यू की वाइफ है, ठीक है ये भी ठीक है। एक्स इज द सन ऑफ जेड, एक्स जो है जेड का लड़का है, ठीक है ये भी ठीक है। एक्स इज द फादर ऑफ पी, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू क्या नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, कप लिप बर्ड। ठीक है, देखिए लिप के थ्रू ही हम कुछ भी पीते हैं कप से, ठीक है तो बर्ड क्या करती है कि बीक के थ्रू ही जो है कि ग्रास कलेक्ट करती है, कुछ भी खाती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ये देखिए ये टू से वन हो गया, ठीक है ये वन से वन हाफ हो गया, इसका मतलब डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, फिर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है वन अपॉन फोर, यहाँ पे भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाई टू, तो वन अपॉन एट इज द राइट आंसर, सिंपल था। टोटल 4 to 5 क्वेश्चन जो है ये आपके सीरीज के क्वेश्चन थे, ठीक है नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, और डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थे, दो फिगर थे व्हाट नेक्स्ट वाले में, इसमें स्क्वायर काउंट करना था आपको, ठीक है, और स्टेटमेंट आर्गुमेंट के दो क्वेश्चन थे, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। ठीक है, पेपर सिंपल था, एनालॉजी के दो क्वेश्चन थे, ठीक है एक रैंकिंग का क्वेश्चन था, ठीक है कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज सब कंबाइन करके मैक्सिमम 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ऑड वन आउट, ठीक है ये 2 क्वेश्चन थे टोटल। तो टोटल 5 ईयर के पेपर जो है आप मिनिमम सॉल्व करिए।